पता नहीं क्यों जी पूछा। अच्छा एक एक काम करो, सबके सब पहले तो कैमरा ऑन कर दो, एक कुछ रिएक्शन तो देखने को मिलेगा मुझे, है ना? बढ़िया है ना? ओ हाँ, सब कैमरा ऑन करो, मैं वेट कर रहा हूँ। ओ यस, बढ़िया बढ़िया यार, सबको हेलो तो नहीं बोल सकता। अरे अपरम, ये क्या कर रखा है बालों का? म्यूट पे है तू? अरे तूने कटा लिया, मैंने बढ़ा लिया। वही चेंज एकदम। हेलो सर। अरे हेलो 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 यार, ऐसा देख के लग रहा होगा कितनी गंदी राइटिंग है यार, इसको स्केचिंग कैसे हो रही है? बोल दो। हाँ बोल दो यार सर, कोई बात नहीं। हुआ क्या दुग्गल? अरे थोड़ी थोड़ी मैं टिप्स देता हूँ बीच बीच में, कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया सी। कोई भी फेस होता है ना, सही है। हाँ चल रहा है ना सब? चल रहा है, चल रहा। सबसे पहली चीज तो, अगर अपन तीन परफेक्ट डिस्टेंस पर कोई करते पब्लिक, क्या है हाँ तो क्या बोल रहा था मैं, कोई भी तीन परफेक्ट डिस्टेंस पर अपन चीज बनाएंगे ना, तो इसके अंदर अपन फेस बना सकते हैं, पता है? बहुत बढ़िया। यहाँ पे आईब्रो बनाओ और यहाँ पे नाक बना दो, और यहाँ से यहाँ तक कान रहते हैं। सर स्क्रीन शेयर कर दो। अच्छा वो स्टॉप शेयरिंग हो गई क्या? कुछ चल रही है। हाँ चल रही है क्या? हाँ ठीक है, तो ये वाली चीज होती है, यहां से अपन बाल बनाते हैं इसके आगे, और कोई भी फेस इस तरह से बना सकते हैं आराम से। अच्छा ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सही से। अरे सब रेडी है? गूगल स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही स्क्रीन शो हो रही है। स्क्रीन तो सर यार, कुछ करो यार, अब मैं कैसे सॉल्व करूं इस चीज को? नहीं हो रही है शो। मैं स्टॉप शेयर करके वापस शेयर करता हूँ ना। यू नीड टू पिन द प्रॉब्लम होगा स्क्रीन। जिनकी इशू नहीं हो रही है। मैं यूट्यूब स्टार्ट करती हूँ क्या? दूसरे दूसरे का लैपटॉप में क्या है, कहाँ से मिलेगा? ओ अच्छा, हाँ ये स्टार्ट हो गया ना। दिख रही है सबको? दिख रही है अब? 99 लोग, 100 हाँ सर लोग दिख रही है। पक्का सब? अब स्टार्ट करें एकदम परफेक्ट, ध्यान लगाना थोड़ा, क्योंकि बीच बीच में पढ़ाई होगी अपनी, गंदी सी पढ़ाई, बोरिंग वाली, जिसके अंदर टेक्निकल चीजें पता होनी चाहिए अपन को थोड़ी थोड़ी। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है? तो सबसे पहली चीज क्या थी? हैंड है ना। सबसे पहली चीज चाहिए अपन को हाथ स्केच करने के लिए, ठीक है यार? अब हाथ क्यों चाहिए? क्योंकि
अपन बचपन से जब पढ़ते हैं ना तो ABCD वगैरह लिखते हैं, तो इसकी वजह से अपनी आदत क्या हो जाती है, जैसे ही अपनी पेंसिल है तो पेंसिल को अपन इस पॉइंट से पकड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इस पॉइंट की वजह से होता क्या है कि अपना जो रेडियस है वो बस इतना ही जाता है, तो अपन जब स्केच कर रहे होते हैं तब लाइंस इस तरह से आती है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब उनको लाइन थोड़ी स्मूथ चाहिए और लंबी चाहिए स्केचिंग के लिए, इस ऐसी लाइन लाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है और उससे मसल मेमोरी बिल्ड होती है। तो अगर डायरेक्शन सही होगा चीजों का तो प्रैक्टिस सही से हो पाएगी। तो पहला पॉइंट अपना रेडियस बढ़ाना है इस पॉइंट का, तो रेडियस बढ़ाने के लिए पेंसिल को सबसे पहले दूर से पकड़ लो, थोड़ा मिडिल से, तो इस चीज की अगर आदत डालोगे तो थोड़ा एरिया ज्यादा मिलेगा, अगर पास से पकड़ के करोगे तो एरिया कम मिलेगा। ठीक है, अब इतना मिला। अब हैंड क्यों यूज होता है, हैंड में भी तीन पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट होता है अपना ये वाला यहां, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। तो पेंसिल के तो पॉइंट अपन को दो पता चल गए, अब अपन को थोड़ा और रेडियस बढ़ाना है। तो इस पॉइंट को रख के अपन हमेशा स्केच या कुछ भी लिखते हैं तो इस पॉइंट पे रख के करते हैं। अगला पॉइंट है कि सिर्फ यहाँ पे रख के अगर करेंगे तो ज्यादा एरिया मिलेगा, बहुत लंबी लाइन खींच सकते हैं अपन। ये मैंने स्क्रीन के बाहर रख के किया है, और तुमने कभी भी पेंटर वगैरह उनको देखा होगा जो जो कैनवस पे बनाते हैं चीजें, ये कैनवस है। बैकग्राउंड में आवाज आ रही है तुम्हें, तो वो कुछ भी बनाने के लिए अपने शोल्डर का यूज करते हैं ताकि पेंट ब्रश अच्छे से पूरा फ्लो कर सके। तो सबसे पहली चीज जो इम्प्रूव करनी है वो ये है कि इन सब पॉइंट के अराउंड स्केच करना सीखना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। तो प्रैक्टिस इस जगह पे अपन को जरूरी है। ठीक है, और सब अपना स्क्रीन ऑन कर रहा है यार, एक बार कर दो एक बार। हाँ, थोड़े फेसेस दिखेंगे तो सही लगेगा मुझे। बढ़िया, अभी भी कुछ कुछ लोगों ने नहीं किया, कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें किसी को डाउट यहां तक? सबसे पहली चीज तो क्लियर है, यहां तक क्लियर। तो अब आ जाते हैं अपन टूल्स पे। तुम्हारे पास भी पेपर और पेन पड़ा है ना, उसमें लिखते रहना जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे, जरूरी नहीं कि सारी चीजें नोट डाउन करो, जितना हो सके उतना ब्रेन में लिखोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, कम हाथ चलेगा तो ब्रेन ज्यादा चलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन टूल्स पे। अच्छा, टूल्स के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले आती है एक पेंसिल, फिर एक आता है इंक के लिए माइक्रोन, या फिर इंक के लिए कुछ भी यूज कर सकते हो, फिर है पेंट ब्रश। ये तीन टूल्स तो नॉर्मली इतने ही होते हैं शायद, और कुछ होता है क्या? और तो बहुत कुछ हो सकता है, कुछ रोड पे मिट्टी पड़ी है उससे कुछ बना लो, बीच पे गए तो उंगली से कुछ बना लो, ऐसे तो चीजें हैं बहुत। ये अपनी मेन चीजें, पेंसिल, माइक्रोन और ब्रश। अब आ जाते हैं अपन पेंसिल पे। पेंसिल के अंदर 6 भी ले लेता हूँ। पेंसिल के अंदर शेडिंग आ जाती है। शेड करना हो तो नॉर्मल अपन प्रेशर से शेड कर सकते हैं कि पहले एकदम हल्का करो, फिर धीरे धीरे प्रेस हार्ड करो, फिर और ज्यादा प्रेस करेंगे तो इस तरह से अपन को ग्रेडियंट मिल जाता है। ये शेडिंग में बहुत काम आता है। अगर पेंसिल में, ये मैंने 6B यूज किया, वो प्रेशर साइज से हो जाता है। अगर प्रेशर अगर वेरी करना नहीं आ रहा है तो नॉर्मल अपन 2B 3B 4B करके पेंसिल आती है,
उनको यूज करेंगे तो उसमें प्रेशर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये सबसे डार्क होती है, ये सबसे लाइट होती है, तो इनको यूज करके पेंसिल का काम हो जाएगा। फिर आ जाते हैं माइक्रोन पर। माइक्रोन में कैसे शेड करेंगे, तो ब्लॉक्स बना लेता हूँ मैं थोड़े, ठीक है। अब इसमें अपन को ग्रेडियंट दे रहा है ऊपर से नीचे, तो सबसे पहले हैचिंग, इसमें हैचिंग आती है जो इस तरह से करनी होती है, क्योंकि इंक के अंदर अपन इस तरह का सॉफ्ट ग्रेडियंट नहीं दे पाते हैं। तो वो देने के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि लगभग बराबर डिस्टेंस पे ये चीज आ जाए। तो पहला ब्लॉक वर्टिकल लाइन से करेंगे, दूसरा, अब दूसरे ब्लॉक में क्या करेंगे, फर्स्ट वाले के साथ एक 45 डिग्री पे हैच कर लेंगे, तो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा वो। फिर और करने के लिए ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड, और फिर ये थर्ड, थर्ड में अपोजिट कर दो। फोर्थ ब्लॉक में सेम फर्स्ट वाला, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दो वाले। फिफ्थ वाला पूरा फिल कर दो, तो ये ग्रेडियंट तो आ गए। अब अपन को इस तरह से ग्रेडियंट नहीं देना है, तो इसमें कुछ एक पर्टिकुलर मेथड नहीं होता, जो करना है वो करो। अगर डार्क से लाइट में जाना है तुम्हें तो इस तरह से भी कर सकते हो कि पहले लाइन से एकदम पास करो, फिर धीरे धीरे दूर करो और फिर और दूर करो। ये सिर्फ एक वर्टिकल लाइन से इस तरह का शेड दे सकते हैं अपन, ये लगभग सिमिलर है इससे। और तुम्हें जो जो मेथड यूज करना है वो करो। अगला मेथड है कि कुछ भी करो, रैंडम स्क्रिबल कर दो, तो ये पास पास स्क्रिबल किया, फिर धीरे धीरे दूर किया, फिर और दूर किया, तो ये ग्रेडियंट इससे आ जाएगा। तो तुम्हें खुद के बनाने हैं, कुछ ऑलरेडी ऐसा बोल नहीं रखा है कि तुम्हें यही करना है, खुद बनाओ, कैसे भी इंक लो, उंगली पे लगा के मार दो, कैसे भी कुछ भी कर सकते हो। तो इसमें बहुत फन है, नई नई टेक्निक ढूंढते रहोगे ना कि इंक से अपन और क्या क्या कर सकते हैं। कॉटन ले लो, कॉटन से बनाने लग जाओ, तो जितने टूल्स यूज करोगे ना उतना सही रहेगा। फिर आ जाते हैं अपन पेंट ब्रश पे। अरे यार एक प्रॉब्लम हो सकती है, मेरी इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, ये पूरी वर्कशॉप बंद हो सकती है, बारिश आने वाली है। चलो कोई बात नहीं, पेंट, पेंट ब्रश, पेंट ब्रश से आईपैड में शो नहीं कर पाऊंगा सही से कि ग्रेडियंट कैसे देते हैं या कुछ भी, पर जैसे एग्जांपल ले लो वाटर कलर का। अगर अपन वाटर हैं तो सबसे पहले कलर ले लो, पिक कर लो कुछ भी, जैसे वाटर कलर अपन ने यहाँ लगा दिया। वाटर कलर क्या है कि बहुत जल्दी से सूख जाता है, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाटर कलर में। जैसे अपन यहाँ पे लगाया, तो इसके बाद ग्रेडियंट देने के लिए क्या करो, इसको मुझे इंक से समझाना पड़ेगा। अपन इस एरिया में वाटर कलर यूज किया है। अब ब्रश को तुम डिप करो पानी के अंदर, थोड़ा सा वो डाइल्यूट हो जाएगा, फिर पानी को इस पोर्शन पे लगाओ, इसके जस्ट पास, फिर उसको ब्रश को लेके जाओ पास में और इस पे टच कर दो। तो जैसे ही इस पे टच करेंगे ना, तो ये वाला कलर धीरे धीरे फैलने लगेगा पानी के अंदर, तो उससे अपने आप एक बहुत बढ़िया सा ग्रेडियंट आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, जिसमें मैं शो कर पाऊंगा नहीं, ये धीरे धीरे इधर फ्लो करने लगेगा, तो उससे हो जाएगा, इस तरह से फ्लो हो जाएगा वो। तो ये हो गए टूल्स। टूल्स के अंदर किसी को प्रॉब्लम या कोई, व्हाट इज द बेस्ट पेंसिल कलर फॉर अ बिगिनर, पेंसिल कलर दैट कैन बी मर्ज, एक क्या आता है प्रिज्मा कलर करके आता है पेंसिल के लिए, प्रिज्मा कलर वाली पेंसिल बढ़िया है, अगर पेंसिल से शेड करना हो तो, कलर पेंसिल से। ठीक है, विच ऐप यू आर यूजिंग,
क्रिएट पे बना रहा हूँ। अच्छा यहाँ तक तो किसी को डाउट? आगे आगे चलता हूँ जल्दी से, नहीं तो अपन टूल्स टूल्स हो गया अपना, हैंड हो गया। अब आ जाते हैं अपन बेसिक्स। तो स्टार्ट कैसे होगा? बेसिक अपन कहीं पे भी जाते हैं तो अपन को एक एनवायरनमेंट दिखता है, बढ़िया सा लैंडस्केप है जो बचपन में बनाते हैं अपन, पानी है और कुछ कुछ है कुछ कुछ। एक आ गया एनवायरनमेंट, एक आ गया कैरेक्टर, कि कोई कैरेक्टर खड़ा है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अगर अपन सीख लेंगे तो कुछ भी बना सकते हैं अपन, है ना। तो ये दोनों सीखने के लिए तो सबसे पहले एनवायरनमेंट के लिए आ जाएगा, एनवायरनमेंट के लिए पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव सीख लोगे तो कहीं पे भी कोई भी एनवायरनमेंट बना सकते हो, लाइफ स्केच कर सकते हो तुम। अगर कैरेक्टर्स बनाने हैं तो फेस रेशियो सीख लो, फेस रेशियो। तो पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे आएगी अपनी टेक्निकल चीज, तो ये बहुत ध्यान से सुनोगे तो उतना जल्दी मैं बता पाऊंगा और उतना जल्दी आगे बढ़ पाएंगे अपन, है ना। तो बहुत ध्यान से सुनना इसको, बहुत ही ज्यादा, बहुत बहुत ही ज्यादा ध्यान से, मतलब बहुत ही ज्यादा, ठीक है। क्यूब बनाना आता है सबको, क्यूब, नॉर्मल क्यूब, है ना, सबको आता है कि उसमें वर्टिकल लाइंस होती है, फिर हॉरिजॉन्टल आती है, फिर एक जेड एक्सिस के अंदर लाइन आ जाती है, एक्स एक्स वाई जेड, एक्स कौन सी होती थी यार, एक्स वाई और जेड अपनी तरफ आती है ना, इससे अपन क्यूब बनाते हैं हमेशा। अब पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि इसकी जो तीन एक्सिस है, जो ये तीन पैरेलल है ये लाइंस, फिर ये तीन लाइन पैरेलल है और फिर ये तीन लाइन पैरेलल है। पर्सपेक्टिव में ऐसा होता है कि इन तीनों लाइंस को पॉइंट मिल जाता है, एक जैसे रेलवे ट्रैक देखा होगा किसी ने, रेलवे ट्रैक इस तरह से कुछ होता है ऐसा, और साइड में पेड़ वगैरह होते हैं, ठीक है, सबने देखा है ये वाला रेलवे ट्रैक इस तरह से। उसके पास एक पॉइंट होता है जहां, जिसको वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं, सारी की सारी लाइंस इसको जाके मीट करती है, कोई भी लाइन हो, अगर ये पेड़ भी बने हैं तो वो इसको मीट करेंगे, अगर यहाँ साइड में कोई बिल्डिंग है तो वो भी इस तरह से बनेगी, तो वो लाइंस भी इसको मीट करेगी। ये वैनिशिंग होता है वन पॉइंट। फिर एक अगला होता है कि कोई भी अगर क्यूब, इस क्यूब को मैं साइड से देखूं तो ये इस तरह से दिखेगा कुछ, ठीक है, ये देखिए। तो इसके पास भी एक पॉइंट है, पर यहां पे दो पॉइंट है कि एक इसकी ये साइड इस पॉइंट पे जा रही है और इसकी अगली साइड इस पॉइंट पे जा रही है। तो ये अपने पास आ गए दो पॉइंट, यहाँ पे आ जाता है टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब अपन हेलीकॉप्टर से या फिर बहुत ऊपर से कोई बिल्डिंग देख रहे हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखती है। तो इसके पास एक पॉइंट है यहाँ पे जो नीचे जाके इधर आएगा, एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट इसके लिए और ये तीसरा पॉइंट, ये हो गया थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो इसमें कुछ नहीं किया अपन ने, बस ये जो तीन तीन पैरेलल लाइंस है इनको धीरे धीरे पॉइंट देते जाएंगे तो पर्सपेक्टिव थ्री पॉइंट तक पहुंच जाएगा। अब एक और चीज आती है फाइव पॉइंट पर्सपेक्टिव, जिसके बारे में अपन थोड़ी देर में बात करेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे सब कि पांच पॉइंट कहां से लाए,
तीन पॉइंट तो यहाँ पे आ गए, पांच पॉइंट कहाँ जाएंगे तो वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहला बेसिक आता है वन पॉइंट का, वन पॉइंट, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं और इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, इसमें कुछ ज्यादा ही टेक्निकल जाऊंगा मैं। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, अब इमेजिन करो एक क्यूब पड़ा है तुम्हारे सामने, यहां बना रहा हूं मैं क्यूब, ये इस क्यूब के अंदर चले गए तुम, यहां पे अंदर की साइड तुम खड़े हो यहां पे, और फिर इस वाली वॉल को देख रहे हो, ये वाली वॉल विजुअलाइज हुआ इतना सबको, इस वॉल को मैं अपने सामने इस तरह से बना लेता हूं क्योंकि अपन सीधे देख रहे हैं, यहां तक क्लियर है। अब ये देखो वन पॉइंट में सबसे मेन चीज होती है आई लेवल, ये हर चीज में है, हर जगह पे आएगा। अब आई लेवल क्या होता है, इसको अगर मैं इस साइड से देखूं तो ये एक पर्सन खड़ा है यहाँ पे और ये वॉल है, ये मैंने पीछे वाली वॉल बनाई है, ये वाली इस साइड से, ठीक है। अब इसकी आंखें यहां पे होगी इस लाइन पे, ठीक है, तो ये जो लाइन इस वॉल को जहां कट करेगी, अगर वॉल वॉल 3 मीटर की है और अपनी हाइट है कुछ 1.6 के आसपास, तो अपना आई लेवल यहां पे होगा, एक पूरा प्लेन मानो जो कट कर रहा है सामने से, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ये यहां पे मिडिल पे खड़ा है, वॉल के मिडिल में इस जगह पे, तो अपने पास एक पॉइंट आ जाएगा यहां पे, ये वाला जो पॉइंट है वो यहां आ रहा है, अगर मैं वॉल के मिडिल में खड़ा हूं। दूसरा अपने पास ऐसा हो जाएगा कि ये अपनी ये अपना आई लेवल है और अपन राइट साइड में खड़े, वॉल के एकदम राइट साइड में खड़े, ये राइट साइड में, मतलब अपने राइट साइड में और ये मिडिल में, यहां तक क्लियर है। अब मैंने क्या किया कि यहां पे इन दोनों वॉल में एक एक पॉइंट बना लिया। अब मुझे चाहिए ये वाली लाइन, ये लाइंस, ये जो ब्लू वाली लाइंस बनाई है, ये लाइंस मुझे बनानी है। ये पॉइंट लो और इसको इस पॉइंट में मीट करके आगे खींच दो। उसी तरह से ये जो चार पॉइंट है, इन चार पॉइंट को सीधे यहां पे खींच लो, ये मिडिल पॉइंट के लिए हो गया। अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं राइट साइड के लिए, राइट साइड के लिए ये पॉइंट लिया और इसको भी सेम इस तरह से खींच लो। अच्छा, ये एकदम स्ट्रेट लाइन वाली चीज प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है, कि इस पॉइंट को इसके साथ मर्ज करना है तो इसका एंगल ये होगा, फिर इसको इधर करके खींचेंगे और इसको इधर करके आ गया। यहां तक क्लियर है सबको, कोई भी डाउट? ठीक है, अब मैं बस एक ब्लॉक के अंदर डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सही से समझ में आ जाए। इसको भी एक ब्लॉक में डाल दिया। तो अब तुम देखोगे कि एक तरह से लग रहा है कि अपन इस रूम के अंदर मिडिल में खड़े और इस रूम में एकदम राइट साइड खड़े, अपने आप ही ये विजुअलाइज हो गया होगा तुम्हें, दिख रहा है ना सही से? ठीक है, अब रूम के अंदर क्या क्या चीजें होती है, डोर होता है, तो डोर बना देता अपन मिडिल के लिए। मान लो इस जगह पे डोर है, यहां पे एक डोर है,
अब ये चीज कैसे बनाएंगे? अपनी जो आंखें होती है वो डोर के ऊपर होती है कि नीचे होती है? जो डोर की मैक्सिमम हाइट होती है उससे अपनी आंखें ऊपर रहती है कि नीचे रहती है हमेशा? नीचे रहती है। नीचे रहती है ना, क्योंकि ऊपर तो रह नहीं सकती, नहीं तो डोर में झुक के निकलना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अपनी ये आई लेवल की लाइन थी अपनी, है ना, तो डोर की लाइन इसके ऊपर जाएगी। एक लाइन खींच दो कोई भी जो एकदम वर्टिकल होनी चाहिए। अब इसमें नॉर्मली गलती क्या होती है कि अगर अपन इस पे वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं ना, तो लोग इस तरह से खींच देते हैं और फिर डोर ऐसे बना देते हैं। ये एक बहुत भयंकर वाली गलती होती है। तो ट्राई करना कि इसको वर्टिकल रखो, कोई भी लाइन इसके ऊपर खींचो तो वर्टिकल रहे, ठीक है। तो एक डोर के अपन ने लाइन ली और यहाँ पे रुक गए। अब अपन को ये वाली लाइन बनानी है, ये वाली दिख रही है ना, ये वाली। इस लाइन को बनाने के लिए इसको फिर से इस पॉइंट के साथ मैच करो और ये यहाँ पे ऐसे जाएगा। फिर अपने हिसाब से ले लो कितना लंबा है यहाँ पे। अब वापस वर्टिकल नीचे ड्रॉप कर दो, तो यहाँ पे आ गया अपना डोर। डोर आ गया, डोर तक किसी को डाउट? किसी को नहीं। अब बनाते हैं अपन विंडो, नहीं डोर, एक काम करते हैं यहां पे भी बनाते हैं राइट साइड वाले में। फिर से आई लेवल के ऊपर गया, फिर ये पॉइंट इसके साथ मैच किया, फिर वापस ड्रॉप किया नीचे और ये अपना इस साइड भी डोर आ गया, ठीक है। अब विंडो बनाते हैं। अब विंडो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे इस जगह पर, इस वाली वॉल पे ये वाली विंडो बना रही है। इसको एक काम करता हूँ मैं कि दोनों को मिडिल डिस्टेंस पे रखता हूँ। इस वॉल को मैंने तीन में डिवाइड कर दिया, इस वॉल को ऐसे तीन में डिवाइड करके यहाँ पे मुझे विंडो बनानी है। अब ये कैसे होगा? तो सिंपल है, अपन ने जैसे इस लाइन को तीन में डिवाइड किया है ना, उसी तरह से ये वाली लाइन को तीन में डिवाइड कर दो, या फिर ये वाली लाइन किसी को भी कर दो, इसको तीन में डिवाइड किया इस तरह से, दिख गया ना, यहाँ यहाँ और ये। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, अरे यार नेटवर्क चला गया था तो भी मोबाइल नेटवर्क से ज्वाइन किया मैंने वापस। स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है। हाँ, एक ही स्क्रीन शेयर करके फिर आवाज बहुत गूंजेगी मेरी। वेट, मैं अभी ज्वाइन कर रहा हूँ ना, एक सेकंड। हाँ ऑफ कर देता हूँ मैं।
हम तो देख ही नहीं सक रहे। बिल्कुल हेलो। इसी का डाउट आया मुझे। चलो कोई ना, धीरे धीरे चलेगा लेकिन सुनाई दे जाएगा। जैम बोर्ड? अच्छा इधर नहीं, लेकिन ये क्या लैपटॉप में रहेगा ना? हाँ, स्क्रीन शेयर करके मैं प्रोक्रिएट चला नहीं पाऊंगा उसमें। चलो ठीक है, आप सुनाई दे रहा है ना सबको? ठीक है, यस दिख रहा होगा। तो अपने पास 3 पॉइंट आ गए थे, एक ये वाला, एक ये वाला, इन 3 पॉइंट को भी फिर से इस पॉइंट से ज्वाइन करो तुम। यहां दिख रहा है ना, ये इस वाले एरिया पर अपन कर रहा है। और यहां पे एक विंडो बनानी है। हाँ वर्टिकल ड्रॉप किया, पॉइंट को ज्वाइन किया इधर, और फिर क्वार्टर करके हेलो। हेलो कुछ चला, कुछ कुछ भी चला, बस थोड़ा सा क्योंकि बस मेरा कनेक्ट होने वाला है फिर से सही से। हाँ बढ़िया यार, इतना वेट कर रहे हो तुम लोग। चल रहा है, सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। हाँ सर, दिख रहा है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। बढ़िया, फाइनली। बढ़िया ठीक है, विंडो बना ली, सबने बना ली, खुद से बना ली होगी, नहीं बने क्या? बोलो यार, या कुछ भी माइक ऑन करके कुछ बोल दो बस। हाँ सर, विंडो बना लिया है, आगे नेक्स्ट।
ठीक है, तो अब अपन कारपेट बनाते हैं। कारपेट कहाँ रखे, यहाँ पर रखते हैं। तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, यहाँ पे रख रहा हूँ नीचे, कारपेट तो नीचे ही होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ठीक है। फिर अपने पास दो पॉइंट मिल गए, इन दो पॉइंट को भी इसके साथ ज्वाइन करो और फिर जाके कारपेट इस तरह से आ जाएगी, तो कारपेट भी यहाँ पे बन जाएगी। तो तुम देख रहे हो ना, कोई भी एक रूम के अंदर बैठे हो तुम और तुम पूरा रूम बना रहे हो। ठीक है, कारपेट भी बना दिया और रूम भी तुम कोई भी बना सकते हो। अब चेयर भी बनानी है अगर, तो चेयर को भी एक क्यूब के अंदर बना सके, एक चेयर बन सकती है क्यूब के अंदर। तो ये अपन आ गए वन पॉइंट पे। वन पॉइंट में किसी को कुछ भी डाउट, सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं वाले अपन। चैट में लिख दो अगर कोई डाउट हो तो। नॉट मेड द विंडो, सर डोर का जो सेकंड वाला लाइन था उसमें और फर्स्ट वाले की लेंथ में डिफरेंस, सेकंड वाली लाइन और फर्स्ट वाली लाइन, इसके ऊपर अपन बात करते हैं, ठीक है। डोर में किस तरह से लाइन में डिफरेंस रहेगा, वो सब कितना डिस्टेंस देना है, ये सब सेकंड पॉइंट के अंदर कवर कर लेंगे अपन। राइट साइड पर कारपेट कैसे बनाए, अच्छा हाँ हाँ चलो राइट में बनाते हैं। राइट के अंदर बनाने के लिए फिर से वर्टिकल लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो कहीं पे भी, यहाँ यहाँ चाहिए तुम्हें यहाँ खींच लो, ठीक है। हो गया, अपने पास दो पॉइंट मिल गए। फिर से इन दो पॉइंट को फिर से उस पॉइंट के साथ मैच करो, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे। तो देखो इसकी कारपेट थोड़ी लेफ्ट साइड खसके हुए लगेगी और यहाँ पे अपन मिडिल में खड़े थे इसलिए यहाँ पे मिडिल से दिख रही है अपन को। तो चेयर को पर्सपेक्टिव में कैसे फिट करें, ये सेकंड, ये टू पॉइंट के अंदर आएगा क्योंकि इसमें अपनी ये वाली लाइंस एक पॉइंट पे जाएगी और ये वाली लाइन दूसरे पॉइंट पे जाएगी, तो यहाँ पे टू पॉइंट आ जाता है। तो चेयर को अपन पर्सपेक्टिव में सेकंड पॉइंट में लाएंगे, ठीक है। वन पॉइंट के अंदर और कोई डाउट, और कुछ बनाने में अगर प्रॉब्लम हो तो, अगर समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बनाए वन पॉइंट में, अच्छा चेयर को रखनी है ना वन पॉइंट के अंदर, तो जैसे एक वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ खींच ली, इसको ज्वाइन किया यहाँ पे, फिर वापस वर्टिकल डाउन नीचे, फिर इसको बाहर निकाला यहाँ तक, फिर इसको वर्टिकल यहाँ पे, फिर ऊपर, तो इस तरह से एक बॉक्स अपन ने यहाँ पे रख दिया है। बॉक्स को थोड़ा सा और ऊपर निकालेंगे, फिर इसको मैच करेंगे यहाँ से, तो देखो एक चेयर बन गई अपने पास अपने आप ही। ये तो वन पॉइंट के लिए चेयर बना है। ये वन पॉइंट के अंदर चेयर, ठीक है। इसके ऊपर और देखते हैं अपन, ये थोड़ा डाउट होगा सबको इस पे। फैन भी वन पॉइंट में आएगा, हाँ फैन भी वन पॉइंट में आएगा। फैन वन पॉइंट में कैसे आएगा, चलो ये भी बताता हूँ। एक सर्कल को वन पॉइंट के अंदर कैसे बनाए, कोई भी एक सर्कल है वो एक स्क्वायर के अंदर आ जाता है, किसी को डाउट इसमें। उसमें ऐसा होता है कि यहां से सारे का सारा सारी लाइन्स टेंजेंट होती है, यहां तक आया। जैसे अपने पास ये पॉइंट है, ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का पॉइंट है, अपन ने एक वर्टिकल लाइन खींची, इसको इसके साथ मैच किया, इसको भी इसके साथ मैच किया। ये मान लो एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर अपने पास आ गया है,
अब अपन को सर्कल बनाना है इसके अंदर। अच्छा, इस स्क्वायर का मिडिल लेने के लिए यहाँ पे क्रॉस करने के बाद जब अपन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल खींचते हैं तो ये मिडिल पॉइंट आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे क्रॉस करने के बाद वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल खींचेंगे तो ये अपने टेंजेंट पॉइंट आ गए। इस चीज को टच करके इस तरह से एक सर्कल बना सकते हैं। तो ये वन पॉइंट के अंदर सर्कल इस तरह से बना रहे, मतलब कि कोई भी चीज स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल के अंदर ब्रेक डाउन करो और उसको पर्सपेक्टिव पॉइंट में डाल दो, वो इस तरह से बनेगा। ये ज्यादा भारी तो नहीं हो गया ना, अगर फ्रंट से देख रहे हो तो तुम्हें एक एक्सिस में डेप्थ दिखानी है तो वन पॉइंट होगा। हाँ, यहां तक किसी का डाउट? ओके, टू पॉइंट पे आ जाएं, टू पॉइंट पे आ जाते हैं। हाँ, बीच में ये ऐसा करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अनम्यूट करो सीधे और क्वेश्चन पूछ लो तो थोड़ा इंटरएक्टिव भी रहेगा। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, अपन टू पॉइंट पा जाते हैं, वही सेम क्यूब। उस क्यूब को अपन बाहर से बाहर खड़े हैं अब, पर अपन इसके साइड में खड़े हैं और इसको साइड से देख रहे हैं तो ये कैसा दिखेगा? कुछ इस तरह से। अगर अपन हवा में होते हैं और साइड से देख रहे होते हैं तो किस तरह से दिखेगा? कुछ ऐसा। और अगर अपन जमीन के अंदर हो गए होते हैं आप फिर देखते हैं, वैसे क्यूब दिखेगा नहीं लेकिन फिर भी क्यूब के अगर अपन नीचे होते तो क्यूब दिखता इस तरह से। अब ये चीज कैसे हुई? इसमें सेम, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। सबसे पहले अपन अपना जो आई लेवल है, आई लेवल मिडिल में था इस जगह पे। अगर अपन ऊपर से देख रहे हैं क्यूब को, इसका मतलब क्या है कि आई लेवल अपना ऊपर है और नीचे से देखते हैं तो आई लेवल नीचे है। अब टू पॉइंट में क्या होगा कि इन दोनों को एक पॉइंट मिल जाएगा, इसमें यहां पे पॉइंट मिल जाएगा और इसके अंदर यहां, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे? सिंपल है, सबसे पहले आगे वाली एक साइड पकड़ लो, एक साइड मैंने यहां पे बना दी। ये अपनी अपनी वॉल की हाइट थी 3 मीटर, किसी को याद हो तो। अब अपन मिडिल में खड़े हैं फिर से, मतलब अपन नॉर्मली जमीन के ऊपर खड़े हैं, इसका मतलब ये है कि अपना आई लेवल यहां पे रहेगा मिडिल में लगभग 1.5 के हिसाब से। तो ये आई लेवल वाली पूरे पूरी लाइन कट है। अब अपन दो पॉइंट यहां पे रख लेते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, फिर इसको मैच करेंगे यहां पे। इसको भी ऐसे ही करेंगे सीधे और फिर वापस वर्टिकल ड्रॉप कर दो। ये वाले जो पॉइंट है इनको भी यहां पे मैच करेंगे और ये भी यहां पे मैच हो जाएंगे। एक तरह से क्यूब के बाहर खड़े होकर अपन देख रहे हैं इसे। इसी क्यूब को फिर से एक लाइन खींची मैंने, यहां बना देता हूं। अब अपनी अपन हवा में, हवा में मतलब कि अगर अपन 3 मीटर से भी ऊपर है, मान लो 4 मीटर पर अपन, यहां पे अपनी आई लेवल है,
मतलब यहाँ पे होगा, इसको दो पॉइंट दे दो यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ, और फिर से ज्वाइन कर दो। तो ये अपना एक साइड बन गया, क्यूब का एक साइड यहाँ पे मिल गया। अरे वो थोड़ा पापा प्रेजेंट करने लग गए थे, जाके मना करना पड़ा जल्दी से। यार नॉर्मली ऐसा होता है ना सबके घर पे। मैंने देखा ये कौन प्रेजेंट है, एकदम से कैसे प्रेजेंटेशन का आ गया। हाँ टेबल फैन को देख, सबसे पहले मैंने ये बताया था, यहाँ पे आ जाते हैं अपन फिर से। सर स्क्रीन शेयर चालू कर दो। बंद है क्या स्क्रीन शेयर? हाँ। ओ अच्छा, हाँ अनम्यूट करके पूछोगे तो ज्यादा सही रहेगा। पर्सपेक्टिव के ग्राफ करने की एक्सरसाइज, मतलब उसको और अच्छे से समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे सबसे बेस्ट एक्सरसाइज तो ये है कि घर के बाहर निकलो, कहीं पे भी बैठो, खुद अपने हिसाब से पॉइंट फाइंड आउट करोगी कि कोई बिल्डिंग के अगर सामने बैठे हैं, कोई अपने बिल्डिंग सामने है, तो अगर किसी भी तरह से कोई बिल्डिंग अपने सामने पड़ी है और अपन कहीं बैठे हैं, तो उससे अगर आप पर्सपेक्टिव पॉइंट खुद फाइंड करेंगे ना कि यहाँ पे इसका पर्सपेक्टिव यहाँ जा रहा है, अगर नीचे कोई चीज पड़ी है तो उसका पर्सपेक्टिव यहाँ जा रहा है, तो ये बहुत फन रहेगा कि खुद से अपन फाइंड कर पा रहे हैं कि पर्सपेक्टिव कहाँ है। अगर अपन बिल्डिंग के छत से देख रहे हैं किसी और बिल्डिंग को, तो वो एकदम फ्लैट हो जाता है नीचे, तो जाके इस तरह से दिखती है वो। यहाँ थोड़े लोग खड़े हैं वाले, इस तरह बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, मतलब समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें। कहाँ सबसे मेन चीज स्टार्ट करनी है अपनी आई लेवल से, अपना आंख का जहां पे लेवल होगा ना, जैसे बिल्डिंग के छत पे अपन खड़े हैं, अपन को पता है कि अपना आई लेवल इस जगह पे ही रहेगा। सबसे बढ़िया चीज ये होती है कि जो हॉराइजन होता है ना, वो इनफाइनाइट पे जाके अपना आई लेवल पे ही आ जाता है। हॉराइजन अपन को ऐसा दिखता है ना, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसे बिल्डिंग रहती है, बहुत कुछ रहता है, तो अपना आई लेवल इस जगह पे है। तो अगर कोई बिल्डिंग भी देख रहे हैं, तो अगर वो हॉराइजन से अपनी आई लेवल से ऊपर है तो वो कुछ ऊपर दिखेगी ऐसे, नीचे तो नीचे दिखेगी। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो फाइंड करनी है अपन को, आई लेवल करनी है कि आई लेवल कहाँ है, फिर उस लेवल के ऊपर पर्सपेक्टिव पॉइंट रखना है अपन को कि यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। फर्स्ट थिंग आई लेवल, सेकंड थिंग अपन का पॉइंट कहां पे है। अगर पॉइंट यहां मिल गया अपन को, तो यहां से कोई भी चीज, सारी चीजें यहीं से निकलेगी। अगर अपन रोड के बीच में खड़े हैं
और साइड में बिल्डिंग्स है, तो आई लेवल कुछ इस तरह से दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बिल्डिंग इस तरह से दिखेगी। तो ये चीज ऑब्जर्वेशन से आ जाएगी धीरे धीरे। हर अगर अपन लैपटॉप के सामने भी बैठे हैं तो अपना आई लेवल कैमरा के अराउंड है इस जगह पे, तो लैपटॉप का जो बेस की जो साइड लाइंस है वो अपने भी आई लेवल पे रहेगी। जैसे ये लैपटॉप की स्क्रीन है मेरी, मेरा कैमरा यहाँ पे इस जगह पे, और अपनी आंखों को मैं कैमरे के एकदम परफेक्ट सामने लगाऊंगा तो आई लेवल मुझे मिल गया अपने आप। तो इसकी वजह से जो बेस होगा वो मैं इस तरह से डिसाइड कर पाऊंगा। फिर बटन भी सब इस तरह से जाएंगे। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? क्लियर है? थोड़ा मतलब थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट? टू नो पॉइंट के सर, अंदर, 2 पॉइंट के अंदर कोई डाउट अभी तक? 2 पॉइंट में ये दोनों क्लियर है? यस सर। कहाँ पे? शेडो एंड लाइट पे आते हैं अभी। जैसे ट्रीज है तो मैंने बताया था कि अगर अपन रेलवे ट्रैक्स को देख रहे हैं तो पहला ये पॉइंट यहाँ होता है, फिर धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ता रहता है, इसका डिस्टेंस और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर साइड में ट्रीज है, तो बस एक एक ट्री को बना लो, उसका पॉइंट लो, फिर सारे वर्टिकल इसके अराउंड बनते रहेंगे अगर सारे परफेक्ट हाइट और डिस्टेंस में। तो इस तरह से अब लाइट एंड शेडो की बात करें तो वो मैं शेडिंग वाले टिप के अंदर बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, ट्री के अंदर एक मेन चीज ये है कि ट्री के जो पत्तियां होती है वो एकदम रैंडम होती है, तो अपन इसमें ऐसा बहुत ऐसा स्क्रिबल भी करेंगे ना तो वो ट्री लगेगा, क्योंकि पत्ती कहीं पे भी हो सकती है, तो अपन कहीं पे भी कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, टू पॉइंट के अंदर अपन चेयर बना लेते हैं एक बार। अब चेयर को अपन कहाँ से देख रहे हैं पहले वो ड्रॉ करते हैं। एक क्यूब है, ये चेयर इस तरह की चेयर तो बना पाओगे ना आराम से, है ना? अब सिंपल अपन इस पार्ट को ले लेते हैं पहले, इस पार्ट को बना देते हैं यहाँ पे। अपना आई लेवल इस चेयर के ऊपर ही रहेगा क्योंकि अपन खड़े हैं, तो चेयर नीचे की साइड ही दिखेगी, तो अगर चेयर यहाँ पे है तो अपना जो आई लेवल रहेगा वो यहाँ रहेगा कहीं, ठीक है, ऊपर रहेगा, तो वो आई लेवल में ऊपर रख देता हूँ कुछ इस जगह पे। थोड़ा घसड़ वसड़ हो रहा है लेकिन चलेगा, ऊपर आई लेवल है। अब अपन को ये वाली लाइन चाहिए, ये वाली लाइन, ये लाइन, तो एक लेफ्ट साइड पॉइंट लिया मैंने। अच्छा, तुम्हें इस तरह से अगर मैं समझाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
एक पर्सपेक्टिव पॉइंट मैंने यहाँ रख लिया, दूसरा पर्सपेक्टिव पॉइंट यहाँ रख लिया, ठीक है। अब सही से दिख रहा है सबको? एक पॉइंट यहां है और दूसरा पॉइंट यहां है, ये दो पॉइंट ले दिया। अब यहां पे अपनी चेयर पड़ी है, तो चेयर के लिए सबसे पहले एक स्क्वायर बनाया मैंने यहां पे, ठीक है। फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच ली चारों पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट के साथ इसे मर्ज किया वापस, और सेकंड वाले पॉइंट के साथ इनको, फिर ये वाला पार्ट बनाने के लिए एक लाइन फिर से यहां पे, फिर इसके साथ हर एक पॉइंट को बस ज्वाइन करते रहो, तो धीरे धीरे अपन कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं इससे। तो ये एक रफ सी चेयर अपने पास आ गई, इस रफ सी चेयर को थोड़ा और क्लियर कर देंगे, तो ये वाली लाइट पेंसिल से बनाना, फिर इसके बाद जो भी फाइनल चीज बना रहे हो इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। तो अब देखो ये चेयर है अपने पास, पहले एक लाइन यहाँ खींची, अब इसको अपन को वॉल्यूम देना है, तो एक क्यूबॉइड बना लो, क्यूबॉइड नॉर्मल क्यूबॉइड तो बना ही सकते हो ऐसा, तो जो भी यहां जाने वाली लाइन्स है वो लेफ्ट वाले पॉइंट पे जाएगी, और जो यहां जाने वाली लाइन्स है वो राइट वाले पॉइंट पे जाएगी। तो इसको थोड़ा सा वॉल्यूम इस तरह से दे दिया अपन ने, और राइट साइड में भी एक वॉल्यूम दे दिया, फिर इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे भी थोड़ा सा वॉल्यूम रहता है, तो एक एक्स्ट्रा मैंने नीचे खींच लिया, अब ये एक 2D लग रहा है ये वाला पार्ट, इसको 3D करने के लिए इसको बस एक्सटेंड यहां तक कर देंगे और ये इसके पीछे चला जाएगा, ये पार्ट थोड़ा डार्क रहेगा, डार्क करोगे तो अच्छा लगेगा। फिर उसी तरह से ये चीज भी, तो सेम चीज थोड़ा मैं जल्दी बना दूं चलेगा ना, क्योंकि सेम चीज रिपीट होती रहेगी फिर। ये चेयर सबसे बन जाएगी खुद से, और चेयर के अलावा कोई और चीज होगी वो भी बन जाएगी ना। अब बस अगर पंखा बनाना है, फैन, अब फैन पे आते हैं, सर्कल है, पहले उसको हमेशा 2D में सोचो फिर उसको बाद में 3D में। सर्कल के इन पॉइंट पे फैन रहता है ना, 2D के अंदर इस तरह से दिखेगा। अब इसी को 3D में करना है, तो ये अपना एक क्यूब है, इसके अंदर एक सर्कल बना दिया। इस चीज में एक बहुत बढ़िया सी चीज बताऊंगा मैं सर्कल के ऊपर, फिर ये वाला एंगल हमेशा सेम ही रहता है हर चीज में। तो सर्कल हो तो ये 120 इधर है, फिर इसको पास बनाया, अब क्योंकि थोड़ा सा वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लिए इसको ऐसे बना दूंगा, इसका कर्व थोड़ा इस तरह से हो जाएगा क्योंकि स्फीयर है। फिर अगला पॉइंट यहाँ जा रहा है, जो भी 2D चीज है ना उसमें अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे इस तरह से लाइन बनाते हैं ना अपन थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए, तो अपने आप ही निकल के आ जाती है। ये हर चीज में ध्यान रखना, अगर कोई कपड़ा फोल्ड हो रहा है, जैसे ये कपड़ा है फोल्ड होके इस तरह से बना दिया, ये उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अगर अपन 3D में इसको सोच के बनाएंगे। इसकी पूरी फोल्डिंग का ये थोड़ा सा थिकनेस रखेंगे ना, तो ये अपने आप ही बेटर हो जाएगा। इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस देखो, एक थोड़ी सी चीज मोटी गड्ढे से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे तो
अपने आप ही बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने ये एक्स्ट्रा निकाल दिया, इसमें यहाँ पे बस इस पार्ट को थोड़ा राउंड कर दिया, यहाँ पे भी सेम, यहाँ और इधर ऐसे। यहाँ तक किसी को डाउट? ये भी 3D में बन जाएगा। सबसे पहले फ्लैट 2D में सोचो, फिर पर्सपेक्टिव में सोचो, और फिर उसको निकाल दो, बस एक्सक्लूड कर दो। कूल है यहाँ तक? शेडिंग के लिए तो हाँ, शेडिंग के लिए माइक्रोन सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें पानी में लग जाए तो डाइल्यूट नहीं होते। शेडिंग में पेंसिल में स्टेडलर बहुत काफी अजीब सी स्पेलिंग है इसकी। स्टेडलर में 6B, 8B ये सब चूज कर लो। माइक्रोन के अंदर 0.5, 1, 2, 3 ऐसे 8 तक आते हैं। अरे ये वाला जो हैच किया मैंने, ये सेम उसी उसी तरह से किया है। ये मसल मेमोरी से थोड़ा हो जाएगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अपने आसानी से ये हैचिंग होने लगेगी तुमसे। यहां तक आया सबको? अब मैं थोड़े क्वेश्चन पूछता हूँ इंटरेस्टिंग से, उसका जवाब देना मुझे, है ना। अपन सबसे पहले एक चीज, सिलेंडर सबको आता है बनाने अच्छे से? सिलेंडर आता है सबको? Yes. बहुत अजीब सा क्वेश्चन है ना, पर अभी देखना, सबके सब गलती करोगे। सबको आता है ना सिलेंडर? अभी देखते हैं। तो सिलेंडर बनाने के लिए एक ओवल ऊपर, एक ओवल नीचे, और फिर इसकी टेंजेंट पे ये चीज रहती है। तो जब भी सिलेंडर के ऊपर अगर एक लाइन बन खींची होती है ना, तो सब एक गलती तो ये करते हैं कि ये जो लाइन है वो इसके साथ ऐसे निकाल देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें ये है कि यहाँ पे ये जाके इधर घूमती है, तो जब भी कोई लाइन निकालोगे ना, वो इस तरह से कर्व आनी चाहिए। इस छोटी सी चीज में बहुत डिफरेंस है, एक इस कर्व में और एक सीधे ये निकाल रहे हैं। किसको म्यूट कर दिया? तो इसमें इस तरह से कर्व के साथ जाना। ये सिलेंडर तो आ गया, ठीक है। अब सिलेंडर के लिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत बढ़िया। मान लो तुम्हारे पास एक कार है, ये बहुत सारे लोगों से मैंने ऑलरेडी पूछ रखा होगा, तो जिसको आता है वो बताना, बहुत इंटरेस्टिंग है वाला। एक कार है अपने पास कुछ इस तरह से, ये सारे नॉर्मल शेप से ही बना रहा हूं मैं, कुछ ज्यादा ऐसा खास है नहीं। ये है कार वगैरह वगैरह, और यहाँ पे आएगा अब इसका टायर। टायर बनाने के लिए मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है कि टायर इसका ऐसे बनेगा, मतलब कि जो मेजर एक्सिस होती है वो इस जगह। दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा टायर इस तरह से बनेगा। तो वोट कर लो कौन कौन सा तार टायर बनाएगा, 1 की 2? 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2 है ना। डाउट आया ना, सिलेंडर तो आता था सबको, लेकिन सबके आंसर सेम नहीं है। 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2/2 ठीक है, बढ़िया, अच्छा है, सही है। नॉर्मल इसको सिलेंडर की तरह अगर सोचोगे ना तुम, चलो बता दूं मैं आंसर की, अभी भी लिखना है तुम्हें। 1, 1, 1 देखो, 3 1, 4, 5, 2 तो इसमें बहुत सिंपल सी चीज है, कार की जो एक्सिस है वो इस डायरेक्शन में, कार के जो व्हील की एक्सिस है, मतलब कि यहां इसकी मेजर एक्सिस हो गई थी, ये मेजर एक्सिस है, अरे यार, और इसकी सिलेंडर की एक्सिस ये है। तो इसमें एक चीज है कि ये 90 डिग्री पे, यहाँ पे सिलेंडर जब भी बनता है ना, अगर मैं सिलेंडर ऐसे बनाऊंगा तो इस ऐसे बनेगा, अगर सिलेंडर को मैं इस तरह से बनाऊंगा तो ये फिर ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अब तुम्हारा तुम्हारी चीज लगाते हैं यहाँ पे। ये है जिन जिन ने ऑप्शन 1 चूज किया था उनका, ये है
आंसर। जिन जिन ने ऑप्शन टू चूज किया था उनका आंसर है ये, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो सिलेंडर बन रहा है ना तुम्हारा, वो एक तरह से इस एंगल पे स्लाइस है। ये देखो ये इस तरह से कटा हुआ है, सिलेंडर इस तरह से होता नहीं है नॉर्मली। इसका एंगल देखो यहां से कम है, ये ज्यादा है। यहां पे जो सिलेंडर बना है वो सीधा है, इसकी जो मेजर एक्सिस है वो इसके 90 डिग्री है। तो इसका करेक्ट आंसर तो 2 होगा। 1 जो जो भी बोला है, 1 जिसने भी बोला है उनके लिए बहुत बड़ी चीज है ये। और ये हर चीज में अगर तुम लगाओगे ना तो अलग ही फर्क देखने को मिलेगा। तो जब भी कोई सिलेंडर बनाना है तो सिंपल एक मेजर एक्सिस देखो, जो भी मेजर होती है जो भी, फिर एक 90 डिग्री की लाइन खींचो इसके अराउंड, फिर जो एलिप्स का सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होगी उसके अलोंग ये बनाओ। तो इस तरह से इस कार का, इस तरह से कार का वो जो भी चीज है बन जाएगी, ठीक है। कैसे बड़ा डाउट इसमें कि अभी भी तुम्हें वन ही लग रहा है कि वन ही होगा सर, वन ही होना चाहिए। तो क्लियर है ना सबको ये। अब थोड़ा सा एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, इसमें भी थोड़ा क्वेश्चन पूछूंगा मैं, वो बताना मुझे, ठीक है। मेरे पास एक रेक्टेंगल है इस तरह से, इस रेक्टेंगल को एग्जैक्ट मुझे यहां पे कॉपी करना है, तो वो किस तरह से करोगे कॉपी? बहुत अजीब सा क्वेश्चन है ना, कि नॉर्मल बस बना देंगे, लेकिन जब अपन अपने पास स्केल या कुछ भी नहीं होता है ना, तब तब किस तरह से करोगे? तुझे पता है ना आंसर? तो देखो इस इन लाइन को एक्सटेंड किया मैंने, इस लाइन का जो मिडिल है इसको अगर इसके इस पॉइंट के साथ मैच करूंगा मैं, और इस लाइन के साथ जहां क्रॉस होगी इस तरह से, ये चीज मैं रिपीट कर सकता हूं यहां पे, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल सा ज्योमेट्रिक का क्वेश्चन है, पर ये काम कहां आएगा? ये काम अपने पर्सपेक्टिव पॉइंट में आएगा, क्योंकि मान लो कि तुम्हारे पास इस तरह से बहुत सारी आर्चेस है और तुम्हें बार बार रिपीट करनी है। तो जब पर्सपेक्टिव में मैंने बताया था ना कि अगर रेलवे ट्रैक है तो ये वाला डिस्टेंस पास होता है, फिर धीरे से ये ज्यादा होता है, फिर ये और ज्यादा होता है, फिर ये और ज्यादा होता है, तो ये कितना ज्यादा होता है ये किसी को नहीं पता। कैसे निकालेंगे ज्यादा? तो वो इस मेथड से निकालेंगे, इसके मिडिल से। तो ये मेथड चलो यूज करते हैं एक बार। तो मैं पहले प्लेन बना लेता हूं ये वाले, ये एक बॉल दिख गई तुम्हें साइड में आती हुई, थोड़ा विजुअलाइज हुआ। और मैंने एकदम अंदाजे से एक लाइन यहां पे खींच ली, अब मुझे इस लाइन को रिपीट करना है यहां पे। अब मैं कितना करूं? अगर बिल्कुल ही अंदाजे से किया तो कुछ अजीब सा रहेगा, यह है कि थोड़ा ज्यादा ज्यादा किया ये थोड़ा सही लगेगा लेकिन परफेक्ट नहीं होगा। तो इसको सही करने के लिए इसका बस एक मिडिल पॉइंट चूज कर लो, ये अपना वो है पर्सपेक्टिव पॉइंट, इसके मिडिल से एक लाइन खींचो यहां पे। अब अपन को मिडिल मिल गया। अब देखो इस पॉइंट को मिडिल से क्रॉस करके यहां लेके आओ। ओ भाई ये तो बहुत लंबा बनता है, ये अजीब सा लग रहा होगा तुम्हें पर ये असली है। इसका इसको अगर रिपीट करोगे ना तुम, पर्सपेक्टिव पॉइंट अगर तुम्हारा यहां है
तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। विश्वास नहीं हो रहा ना, लेकिन ज्योमेट्री के हिसाब से तो बराबर है। ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स है, ये डिस्टेंस अगर वाई है तो ये डिस्टेंस भी वाई है, ये भी वाई है। अब इस चीज में अपन आर्च डालेंगे, तो वही सेम चीज करनी है तुम्हें। यहां से इसका मिडिल पॉइंट चूज करो पहले, क्रॉस बना के यहां पे इसका मिडिल पॉइंट आ गया, और इसको इसके साथ मैच कर दो। फिर से इस पे क्रॉस बना के इसका एक मिडिल पॉइंट चूज करो, ये इसका मिडिल होगा, और फिर से यहां पे एक आर्च बना दो। फिर ये ऐसा जाके रिपीट होती रहेगी। फिर इसको 3D बनाना है, तो 3D के लिए सिंपल है। 3D के लिए एक एक्स्ट्रा यहां पे चीज निकालो और बना दो। किसी का डाउट? अब ये चीज क्लियर है, मिड पॉइंट थ्योरम। ओह, ऐसा भी होता है, मिड पॉइंट थ्योरम। क्या सही है, IIT के लोग हैं। इसमें किसी का डाउट? 1.2 पॉइंट क्लियर है, एकदम क्लियर है। सारे आके के हैं क्या? ओ अच्छा, ठीक है। तो 1.2 पॉइंट क्लियर है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि फिर और आगे जाके भारी चीजें आने वाली है। अब अपन 5 पॉइंट की बात करेंगे। 3 पॉइंट में सिंपल है, 3 पॉइंट में ऐसा हो रहा है ना कि अपन ने जो वर्टिकल चीजें दी है, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल, इसको वर्टिकल ही रखा है। 3 पॉइंट में बस ये होगा कि इन वर्टिकल को एक पॉइंट मिल जाएगा, नीचे मिलेगा या ऊपर, तो वो इस तरह से बन जाएगी, मतलब सब जाके एक पॉइंट पर मीट करेगा नीचे जाके। तो 3 पॉइंट में बस ये है। 1 और 2 बहुत काम के, जो अच्छे से करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब अपन आ जाते हैं 5 पॉइंट पे। 5 पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। 5 पॉइंट के लिए ऐसा है कि मान लो कि फिशाई, देखा है तुमने फिशाई लेंस, जो एकदम राउंड होता है और सारी चीजें एकदम डिस्टॉर्टेड सी लगती है उसमें, एकदम फेस एकदम बड़ा सा जाता है, फिर धीरे धीरे चीजें ऐसी छोटी होती रहती है, एक सर्कल के अंदर आ रहा होता है सारी चीजें। तो ये फिश आई लेंस में 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज होता है। अब ये 5 पॉइंट कैसे होगा? 1 पॉइंट पे आ जाते हैं। 1 पॉइंट सबको अच्छे से पता है कि हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, और एक जेड एक्सिस की ये लाइन है। अब इसके अंदर 5 पॉइंट कैसा आएगा? बहुत सिंपल है। ये अपनी पैरेलल जा रही थी, ऑलरेडी अपन ने पैरेलल मान रखा था, बस इस पैरेलल को एक पॉइंट यहाँ राइट साइड में मिल जाएगा, और लेफ्ट साइड वाले को भी एक और पॉइंट मिल जाएगा। वैसे ही वर्टिकल के अंदर एक पॉइंट इसको मिल जाएगा और एक पॉइंट उसको मिल जाएगा ऊपर, और एक मिडिल पॉइंट तो है ही। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पॉइंट अपने पास आ जाते हैं। तो इसको और अच्छे से देखते हैं अपन। एक पॉइंट मैंने ले लिया यहां पे, दूसरा पॉइंट ले लिया यहां पे। अब इनको मैच करेंगे अपन इस तरह से। ये बहुत सारे हो जाएंगे। तो इस तरह से जाके एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो ये जो सर्कल बन रहा है ना, या सर्कल असली में क्या चीज है बताओ? गैस मारो, ये सर्कल के अंदर क्या चीज आएगी? ये सर्कल क्या है, क्या हो सकता है? लेंस सर, वो क्यूब जो बनाई थी जिसमें हमने तो कुछ प्लेस किया था, वो एक सर्कल हो जाएगा। वो एक सर्कल हो जाएगा, हाँ, एक तरह से पूरा वो स्फीयर बन जाएगा। वो जो क्यूब है वो स्फीयर बन चुका है, क्योंकि अपन ने सारी लाइंस को बेंड कर दिया। तो जैसे ये एक क्यूब था अपने पास, और अपन इसके मिडिल पे खड़े थे,
है ना। तो ये सर्कल की ये जो रेड लाइन है ना, इसको मैं ब्लू में बनाता हूँ एक बार। ये जो ब्लू लाइन है ना, वो ये वाली लाइन है। अगर अपन यहाँ पे कट, यहाँ पे खड़े हैं और एक प्लेन अपन को पूरा स्लाइस कर रहा है मिडिल से, तो वो ये वाला प्लेन, ये वाला जो प्लेन है, वो जो लाइन से ये ब्लू, वो ब्लू लाइन से ये सर्कल। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी मसाला आएगा इसके अंदर, वो सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई भी चीज पड़ी होगी, यहाँ कोई भी चीज रखी है, वो अपन इसके अंदर बना सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करें, तो इसके यूज पे आ जाते हैं अपन। दो पॉइंट तो इधर हो गए थे, दो पॉइंट ऊपर और नीचे हो जाएंगे इस तरह से, और एक पॉइंट इन दोनों का मिडल हो जाएगा यहाँ। ऐसा लग रहा होगा क्या कचरा बन गया ये, इससे कैसे समझ आएगा चीजें। अगर तो अब ये दिख रहा है तुम्हें सर्कल स्फीयर, अब इसमें अपन चीजें बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं वन पॉइंट वाले क्यूब से। पहले अपन हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचते हैं, ये क्यूब बनाना है अपन को। ये वाला क्यूब बनाएंगे यहाँ पे, तो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो थोड़ी कर्व हो जाएगी। ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है। अब वर्टिकल लाइन खींच दे तो वो भी थोड़ा कर्व। अब लाइंस अंदर की साइड डॉटेड बनाएंगे ताकि थोड़ा सही से समझ आए। फिर वापस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो एक क्यूब यहां पे बन गया। अब क्यूब अपन बनाते हैं ये वाला टू पॉइंट वाला पर्सपेक्टिव का, ये क्यूब। इस क्यूब को इस, ये क्यूब मतलब अपने राइट साइड में है ये वाला क्यूब, अपना मिडिल पॉइंट ये है, तो राइट साइड में यहाँ क्यूब बना लेते हैं। वो क्यूब बनेगा इस तरह से। पहले वर्टिकल लाइंस बनाई मैंने, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई इसकी, एकदम ग्रिड को फॉलो करते करते बना रहा हूं मैं। फिर इस पॉइंट को मैच करते हुए इसकी जेड एक्सिस वाली लाइन, अब वापस वर्टिकल बनेगा। हॉरिजॉन्टल भी करो, ये क्यूब भी समझ में आ गया, बन जाएगा ना ये आराम से। थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है पर मतलब एक प्लेन देख लो तुम्हें, ये वाला प्लेन देखो सिंपल सा दिख रहा होगा। ये जो यहाँ एक ग्रिड बनाई ना मैंने, इसी को एग्जैक्ट फॉलो कर लो। इसको ये हॉरिजॉन्टल हो गई, ये वर्टिकल हो गई, फिर यहाँ पे मिडिल आ गया, फिर इसको फिर से फॉलो। अच्छा ये ग्रिड जो है ना, ये ग्रिड जो भी है ये तुम्हारे दिमाग के अंदर बननी चाहिए। अगर कहीं पे भी तुम्हें क्यूब बनाना है तो ऐसा होना चाहिए कि ग्रिड की जरूरत ही ना हो और सीधे तुम बना लो। इस तरह से कभी भी ऊपर से भी देख रहे हो अगर, तो वो भी हो जाए। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप आराम से आ जाएगा। ये जो ऊपर से बना है वो यहाँ पे बना के देखते हैं। ये पॉइंट लिया, ओ एग्जांपल, तो एग्जांपल क्या लें अपन कुछ ले लेते हैं। बाइक बन जाएगी क्या इसके अंदर, ज्यादा हो जाएगा थोड़ा। क्लासरूम का सीन रूम, अरे विभू तू कब आया? क्लासरूम का सीन
ओ अच्छा वो वाला, ठीक है चलो एक क्लासरूम बनाते हैं। अरे मैं कोई भी चीज स्टार्ट करता हूँ ना, तो वो इस तरह से स्टार्ट होती है कि मेरा हाई लेवल स्केचबुक से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अगर मैं स्केचबुक को देख रहा हूँ इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपनी आंखों से एक वर्टिकल ड्रॉप करूँ तो वो मेरी स्केचबुक के ऊपर आएगा। किसी को डाउट इसमें? वर्टिकल अगर अपन आंखों से नीचे ड्रॉप करें तो स्केचबुक के ऊपर आता है, मतलब सारी चीजें स्केचबुक से बाहर निकल रही होगी। तो जैसे यहाँ पे मैं अपने हाथ बना लिया, तो मैं इसका मतलब ये कि इस पॉइंट पे, ये देखो मैंने पॉइंट पे आई लेवल लिया है, ये मेरा आई लेवल का पॉइंट है। ठीक है जो भी हो। अब मैंने जो बोला था कि अपना ये जो प्लेन है वो अपनी बॉडी को पूरा हाफ स्लाइस करता है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे हाफ स्लाइस, ये पूरा प्लेन हाफ स्लाइस करता है अपना। तो मतलब जो मेरी टेबल का टेबल की लाइन होगी वो इस सर्कल को फॉलो करेगी। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये मेरी टेबल है, इसको थोड़ा और सही से देखें तो इसकी जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस इस पॉइंट को मीट करेगी यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट के साथ यहाँ मेरी टेबल ऐसे बन जाएगी। टेबल के जो पैर होते हैं वो इस पॉइंट को फॉलो करेंगे तो बहुत ही इस तरह से कर्व आएगा एक। यहां तक डाउट तो नहीं हो रहा किसी को? सब कुछ क्लियर है सारी लाइंस में? यू कैन ड्रॉ पर्सपेक्टिव लाइन लाइटर देन फाइनल इमेज, पर्सपेक्टिव लाइन लाइटर देन फाइनल इमेज। हाँ ऐसा कर सकते हो, बेटर रहेगा। अब लैपटॉप बनाना है, लैपटॉप मेरे टेबल के ऊपर रखा हुआ है, लैपटॉप का बेस जो जेड एक्सिस वाली लाइन है वो इस पॉइंट को फॉलो करेगी, तो लैपटॉप मैंने इस पॉइंट को फॉलो करते हुए बना दिया। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो इन दोनों राइट और लेफ्ट को हॉरिजॉन्टल वाली पॉइंट को फॉलो करेगी, तो मतलब ये वाली लाइन, फिर इसी तरह से ये लाइन बना दी। अब लैपटॉप का जो वाई एक्सिस है वो मेरी स्केचबुक वाले पॉइंट पर रहेगा, ये स्केचबुक वाले पॉइंट पर। अब वापस लैपटॉप क्लोज होगा तो वो थोड़ा इस कर्व में आ जाएगा। अब देखो ये तो मैंने बना दिया, लेकिन थोड़ा सा अगर ये चीज निकाल दोगे ना तुम तो वो थोड़े 3D हो जाएगी अपना। उसी तरह से नीचे भी यहाँ पे इस तरह से करोगे तो वो 3D हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे सामने लैपटॉप भी, यहाँ पे कीज है वो इस पॉइंट को फॉलो करेगी, और ये स्क्रीन इस तरह से, और यहाँ पे तुम लोग बैठे हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट साइड में एक डोर है यहाँ पे, तो डोर वर्टिकल लाइन पे जाएगा। वर्टिकल पॉइंट कौन सा है? वर्टिकल लाइन वाले पॉइंट्स, ये ऊपर और ये नीचे वाला, तो ये लाइन बन गई। अब देखो मैंने बताया था कि डोर की जो हाइट होती है वो अपने आई लेवल से ऊपर होती है, अपना आई लेवल यहाँ है इस लाइन पे, ये जो लाइन दिख रही है ना ये अपना आई लेवल वाली लाइन है, तो इसकी डोर की जो लाइन है वो ऊपर तक जाएगी। यहाँ तक डाउट किसी को? यहाँ ये वाली चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब डोर का हॉरिजॉन्टल बनाना है, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन इन हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट्स को फॉलो करेगी, मतलब कि ये देखो यहाँ पे। अब वापस वर्टिकल नीचे लाएंगे जो मेरे स्केचबुक के अंदर जाएगा, मतलब आईपैड के अंदर, ये पॉइंट अगर एक्सटेंड भी करते हैं तो वो यहाँ जा रहा है, तो ये डोर इस तरह से दिखेगा। काफी डिस्टॉर्टेड है लेकिन ये फिश आई की तरह धीरे धीरे फील आने लग गया। अब मेरे जस्ट लैपटॉप के पीछे एक विंडो है, विंडो एकदम टेबल के इस एज से स्टार्ट हो रही है, तो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ऐसे बना दी। अब वर्टिकल खींचनी है तो वर्टिकल वाले दो पॉइंट को फॉलो करेगी, मेरे आई लेवल से ऊपर जाएगी वो लाइन, तो ये थोड़ा और ऊपर चला गया, डोर से लाइन नीचे है। उसी तरह से ये विंडो को यहाँ पे भी इस तरह से बना दिया।
ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे विंडो अपन इस तरह से बना सकते। अब देखो विंडो को भी थिकनेस देनी पड़ेगी, नहीं तो वो एकदम प्लेन लगेगा। तो इस पॉइंट पे थिकनेस देने के लिए मिडिल वाले पॉइंट से थोड़ा सा मर्ज करने के लिए एक लाइन बनाओ। वैसे इस पॉइंट पे ये लाइन और इनको ये वाली थिकनेस दे दो, और यहां पे भी सेम कर दो। यहां तक क्लियर है? कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का? नहीं। अब मैं अपनी रूम, ये मेरे रूम की ये वाली वॉल थी, इस वॉल को बना लेते हैं। ये वॉल यहां से स्टार्ट की, ऐसे गई, इसको फॉलो करके फिर से नीचे और यहां। अब देखो इस वॉल के बाद मुझे बनानी ये वाली लाइंस, ये जेड एक्सिस वाली, जेड एक्सिस वाली लाइन इन चार पॉइंट को एक ओपन किया। ये चार पॉइंट है अपने पास, दिख रहे ना? ये चार पॉइंट है, ये मिडिल वाले को फॉलो करेंगे इस तरह से, ये फॉलो करेगा इधर, ये फॉलो करेगा इधर, और ये इधर। इसमें किसी को डाउट? थोड़ा रूम दिखने लगा? फाइव पॉइंट के बाद पता है क्या आ जाता है? ये इस पॉइंट को, ये जो मिडिल पॉइंट है ना, ये इसके साथ जाएगी, क्योंकि ये अपने आई लेवल का ये वाला पॉइंट है। ये जो लाइंस है अपनी, ये आगे जाके इस मिडिल पॉइंट को फॉलो करती है इस तरह से। अब फैन आ जाता है, अब फैन एग्जैक्टली मेरे ऊपर होगा लगभग, तो फैन इधर बना लिया इस पर, क्योंकि मेरे अगर आंखों को वर्टिकली ऊपर करेंगे तो फैन फैन को टच करेगी वो आंखें, अगर वर्टिकल लाइन खींचे आई को क्रॉस करते वक्त, तो फैन इस जगह पे आएगा। यहाँ फैन का थोड़ा सर्कल बनाना डिफिकल्ट होगा लेकिन, और ये बहुत ज्यादा इस तरह से रहेगा, बस डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा होता है, बहुत पास आने वाली चीज कुछ ज्यादा ही पास आती है, दूर वाली बहुत छोटी हो जाती है। अगर कोई भी डिजाइन या कुछ है कमरे के अंदर तो वो बना लो। यहाँ मेरा बेड पड़ा रहता है, वो इसके साथ आएगा, ठीक है? यहाँ तक किसी को डाउट? कुछ भी? ये फाइव पॉइंट के अंदर, इसमें वन पॉइंट क्लियर है, टू पॉइंट भी आ गया, इसमें थ्री पॉइंट आ गया और सीधा फाइव पॉइंट आ गया, इसके अंदर सारे पॉइंट आ गए। बहुत अच्छे से एंड सिंपलीफाइड वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, थैंक यू यार। प्लीज फेस, अरे हाँ फेस तो मैं भूल ही गया, चलो फेस पर आ जाए जल्दी से। तो यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट? नहीं यार, कुछ तो पूछो, कुछ अलग क्वेश्चन पूछ लो, थोड़ा इंटरेक्ट कर लो। आई थिंक फाइव पॉइंट इज हार्ड, यू नीड गुड इमेजिनेशन एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यस हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 1.2 पॉइंट बनाओ, बाहर जाके लाइव स्केच करो तो चीजें दिखने लगेगी अपने आप। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में करोगे तो। रियल लाइफ में कब दिखता है 5 पॉइंट? आई मीन रियल लाइफ में ऐसा है ना कि सब कुछ रियल लाइफ में अपन को 5 पॉइंट ही दिखता है, पर वो वर्टिकल अपने आप लगने लग जाता, ब्रेन पता नहीं क्या करता है, अजीब सी चीज है। अब अगर अपन, ये नॉर्मल चीज है कि अगर अपन रूम को लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो रूम लेफ्ट के लेफ्ट में अपन को ये इस तरह से दिखेगा रूम, रूम को राइट साइड से देख रहे हैं तो रूम का राइट इस तरह से दिखेगा। जब अपन रूम को मिडिल में देखेंगे तो वो दोनों लाइन मीट करके एक तरह से वर्टिकल, मतलब हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो एक तरह से ये लाइन फाइव पॉइंट ही है और हमेशा फाइव पॉइंट ही रहती है, पर वो अपन को स्ट्रेट दिखता है। ये काफी अजीब सी चीज है, ये तो मुझे भी नहीं पता ये कैसा होता है, लेकिन मिडिल सीधे देखेंगे
अपना बस फील्ड ऑफ व्यू, ये क्या हो गया यार? तो ये अगर छोटे छोटे बॉक्स बना के देखो ना, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एकदम स्ट्रेट दिखेगा तुम्हें, वर्टिकल भी एकदम स्ट्रेट दिखेगा, फिर और दूर जाओगे तो ये भी सब कुछ स्ट्रेट दिखता है, पर असली में ये सारी चीजें कर्व होती है, छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन कर्व होके बहुत परफेक्ट कर्व हो जाता है। वो तुम्हें फील नहीं होगा, लेकिन जब तुम थोड़ा और स्केच करने लगोगे ना और लाइन को फॉलो करोगे तो वो अपने आप ही ऐसे कर्व जाके ऐसे बीट कर जाएगी। कैन वी यूज ऑक्यूलस रिफ्ट फॉर पर्सपेक्टिव? यार यूज तो तुम कुछ भी करो पर्सपेक्टिव के लिए, जो चीज यूज करनी है तुम ईयरफोन लो, ईयरफोन यहाँ पे रखो इस पॉइंट पे, दो पॉइंट मार्क कर लो पेपर पे, ईयरफोन का एक पॉइंट लो, ईयरफोन का जो वायर है उसको एकदम स्ट्रेट करके पर्सपेक्टिव ग्रिड बना सकते हो। तो हम नासा में यही तो करते थे अपन। अरे हाँ, इसने कील काट दी थी पेपर के अंदर और ईयरफोन उसे बांध दिया। चलो यहाँ पे एक पेड़ पड़ा है, यहाँ एक मेरे कमरे में पेड़ है, मैंने उगा दिया क्योंकि मैं चाह रहा हूँ पेड़ उगाना, तो उसका पेड़ जो वर्टिकल है वो बस थोड़ा कर्व बना देना इस तरह से। और पेड़ की सबसे बढ़िया चीज ये होती है ना कि उसका वो बहुत रैंडम होता है, और अपन क्या करते हैं कि ये चीज एक लाइन ऐसी खींचनी तो ऐसी ही खींचनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम बस बनाओ, कोई भी चीज यहाँ से निकाल दो, फिर मन किया तो इधर से निकाल दो, फिर और मन किया तो ऐसा कुछ बनाओ, क्योंकि पेड़ खुद रैंडम होता है तो अपने पास रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पेड़ क्या क्या होता है, जैसे ट्री हो गया, नेचर हो गया पूरा, अपने हेयर हो गए, ये सारी चीजें रैंडम है, तो रैंडम को जितना रैंडम तरीके से बनाओगे ना उतना ज्यादा नेचुरल लगेगा। जैसे पेड़ की पत्तियां हैं, अब एक एक पत्ती देख के तुम बनाओगे ना कि ये पत्ती यहाँ है तो इसको यहीं बनाते हैं, इसको ऐसा बनाते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। इससे बढ़िया बस चलने दो, हाथ कहीं पे भी, हाथ कहीं पे भी चलना भी सीखना पड़ेगा। हमेशा अपन सेम चीज ही करते आ रहे हैं तो बहुत रैंडम होना, जो बनाना है बनाओ, ऐसे ऐसे कुछ भी कर दो, ऐसा यू कर दो। तो उसी तरह से ये पेड़ हो गया, कहीं कहीं पे तुम ऐसा दे सकते हो कि यहाँ एक पत्ती है तो पत्ती बना लो, फिर वापस रैंडम स्टार्ट हो जाओ, फिर वापस थोड़ी पत्ती बना के रैंडम स्टार्ट हो जाओ। तो जब फोकस करते हैं ना अपन, तो इन पत्तियों पर अपना फोकस चला जाता है और लगता है कि यार हाँ इसने तो मेहनत कर रखी है इस चीज पर, अपन ने नहीं कर रखी, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। स्केचिंग में बहुत इल्यूजन यूज कर सकते हैं अपन, लोगों का फोकस उस चीज पे जाएगा जो रोज उन्होंने देखी है चीजें। पत्ती अगर एक दो बनाएंगे ना और बाकी उसके आसपास रैंडम चीजें, तो ध्यान सिर्फ पत्ती पे जाएगा। अब इसको अगर मैं कंप्लीट करता हूँ ना, इसी चीज को, इस पूरी चीज को यहाँ पेड़ पे बना लेता हूँ इस तरह से, तो एक नेचुरल सा पेड़ लगने लग जाएगा वो, और जो लाइन्स है वो भी एक एंट्रोपी हाई है, रैंडम, यस रैंडमनेस वही। और जितना नेचुरल की पत्तियां हैं तो पत्तियां नीचे गिरेगी, तो पत्तियां थोड़े थोड़ी बनाते रहो। तो इससे मुझे एक चीज याद आई, कोई भी चीज अच्छी क्यों दिखती है, कोई गैस मारो, कोई भी चीज अच्छी क्यों दिखती है? कुछ भी गैस मारो, कुछ भी, सिमेट्री, हाँ ठीक है, और दो सिमेट्री, मैं तो रैंडमनेस की बात कर रहा था और तुम एकदम सिमेट्री पे आ गए। गोल्डन रेशियो सर, जितनी नेचुरल होती है। बहुत बढ़िया आंसर है ये तो, मेरे को बहुत बढ़िया लगा, नेचुरल दिखती है। फिबोनाची सीक्वेंस, हाँ, 1:1.6 डिटेल्स, इट डजंट फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न, वो भी है ठीक है। बहुत सारे आंसर मतलब यहीं पे आ गए और ये सारे सही है, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से ये चीज अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि गोल्डन रेशियो है।
तो वो है अच्छी। तो सबके हिसाब से ये सब्जेक्टिव चीज है। तो कोई चीज किसी को अच्छी लगे वो जरूरी नहीं है कि दूसरे को अच्छी लगे। इसलिए आर्ट के अंदर ये बहुत बढ़िया चीज भी है और बहुत गंदी चीज भी है। अगर कोई क्लाइंट है तुम्हारा, अब उसके रेस्पेक्ट में उसके लिए ब्यूटी क्या है वो अपन मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने लिए ब्यूटी अलग चीज है। तब पूरी चीजों को अलग तरीके से देखते हैं। इसलिए प्रैक्टिस से ज्यादा ऑब्जर्वेशन ज्यादा यूज करोगे ना, तो तुम खुद के हिसाब से एक अलग चीज जो तुम्हें अच्छी लग रही है वो दूसरों को दिखा पाओगे कि वो तुम्हें अच्छी क्यों दिख रही है। तो आ जाते हैं इन सारी चीजों पर, जो भी तुमने बोला वो सारी चीजें ट्रू है। तो एक एक करके चीजों पे आते हैं। इसको मैं हटा दूं कि चलो हटा देते हैं। अरे यार ये ग्रिड भी हट, ग्रिड कैसे हटाऊं? ठीक है, कोई भी चीज में तुम तीन चीजें डाल दोगे ना तो वो बढ़िया लगेगी। ये ऐसा है कि परफेक्ट रूल तो नहीं है, लेकिन हाउ टू ड्रॉ ऑर्गेनिक शेप्स इन पर्सपेक्टिव, ये यार वैसे ही हो जाएगा कि कोई भी चीज को फ्लैट देखो फिर तो उसको पर्सपेक्टिव में एग्जैजरेट करके देख लो। एप्पल का अगर लोगो है, इसको पर्सपेक्टिव में बनाना है तो बस इस वाले पार्ट को छोटा कर दो, इसको थोड़ा बड़ा कर दो। अब इतना परफेक्शन तो नहीं आ पाएगा, लेकिन ठीक है लग जाएगा कि एप्पल का लोगो। कैट वॉकिंग बाय, इसको पर्सपेक्टिव में बनाना है। कैट को ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में से डिवाइड कर लो। जो भी और फिर उसको मतलब क्यूब क्यूब के अंदर हाथ डाल दो उसका, फिर धीरे धीरे ऐसा पर्सपेक्टिव में आ जाएगी चीजें। इसको जितना फिनिश करोगे ना तुम उतनी अच्छी लगती रहेगी चीज। ये तो अपन सोचते हैं कि अपन ने स्टार्ट बहुत गंदा किया है, लेकिन इसको धीरे धीरे फिनिश करते रहेंगे ना, जितनी डिटेल्स ऐड करेंगे तो उतनी अच्छी लग जाएगी चीज। तो ठीक है, कोई भी चीज में तीन तीन चीजें होती है। एक हो जैसे स्मॉल मीडियम और लार्ज। इन चीजों से कोई भी चीज बहुत बढ़िया लगने लग जाती है अपने आप ही। क्योंकि अगर अपन बहुत सारी कंपोजिशन बना रहे हैं अपन कुछ और सारे एक तरीके के शेप यूज किए, वो उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अपन बीच बीच में अगर थोड़े स्मॉल एलिमेंट डाल दिए, फिर कुछ मीडियम एलिमेंट्स डाल दिए, तो कंपोजिशन अपने आप अच्छा लगने लगेगा। स्मॉल मीडियम और लार्ज हर चीज में। पिकाचू को देख लो, एक लार्ज सा उसका फेस है, मीडियम से कान है, फिर छोटी छोटी आंखें हैं। कोई भी फेस है तो उसमें स्मॉल मीडियम और लार्ज एलिमेंट हर जगह मिल जाएंगे। नॉर्मली कोई भी अपन सीनरी भी बना रहे हैं तो अपन पेड़ बनाते हैं ये सब बना के छोड़ देते हैं, उसमें अगर स्मॉल डिटेल्स थोड़ी सी डाल दी ना, पत्ते गिरते हुए डाल दिए, फिर एक मीडियम सी चीज डाल दी आसपास, तो वो कॉम्पोजिशन अपने आप सेट होने लगेगा अच्छा से। सरप्राइज पिकाचू फेस। तो स्मॉल मीडियम लार्ज पे इस पॉइंट को ध्यान रखना। एक ये डिजाइनिंग में बहुत काम आता है, बहुत। कोई भी चीज डिजाइन कर रहे हो, एक टेक्स्ट बहुत बड़ा होगा, फिर एक टेक्स्ट छोटा सा हो जाएगा, फिर एक इमेज आ गई, तो स्मॉल मीडियम लार्ज एलिमेंट्स दिख गए तुम्हें इसमें। अब अपन आ जाते हैं रेशियो पे, गोल्डन रेशियो कॉम्पोजिशन पे आ जाते हैं। अपने पास जो कैमरा होता है ना नॉर्मली, उसमें ग्रिड दे रखी होती है जो 1/3 रूल को फॉलो करती है। अगर इनमें से किसी भी पॉइंट पे अपन चीज रखते हैं तो वो अच्छी लगेगी। जैसे इस लाइन पे मैंने लैंडस्केप का वो रख दिया, यहाँ पे एक पेड़ बना दिया और यहाँ पे मेरा मून है, तो ये चीज अपने आप अच्छी लगेगी। तो 1/3 को यूज करोगे ना, अगर तुम्हें किसी का पोर्ट्रेट खींचना है पोर्ट्रेट खींचना है तो पोर्ट्रेट को इस जगह पर रखोगे ना तो वो अच्छा लगेगा। पता नहीं मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जब
बहुत मिडिल में रहती चीजें, सिमेट्रिकल रहती है, वो बस मेरा प्रेफरेंस है ना। बाकी सिमेट्रिकल वाली चीजें अच्छी होती है, मुझे थोड़ा साइड में अच्छा लगता है, जैसे 1/3 पे इसको रख दिया इसलिए। तो ये हो गया 1/3 वाला रूल, यहाँ पे हो गया स्मॉल मीडियम लार्ज। अब अपन आ जाते हैं गोल्डन रेशियो पे। गोल्डन रेशियो इतना खास है नहीं वैसे, ठीक है। गोल्डन रेशियो में क्या होता है कि 1:1.6 का एक रेक्टेंगल रहता है, ये 1.6 है, ये 1 है, फिर एक स्क्वायर आएगा यहाँ पे जिसमें एक हाफ सर्कल बन सकता है, फिर यहाँ पे एक और स्क्वायर हो जाएगा जिसमें हाफ सर्कल, फिर स्क्वायर जिसमें हाफ, तो ये चीज आ जाती है और एक स्पाइरल क्रिएट हो जाता है। ये स्पाइरल अपन हर चीज पे देखते हैं, कोई भी अगर कोई फ्लावर है तो उसकी जो पत्तियां होती है वो स्पाइरल में जाती है। तो ये बहुत नेचर से रिलेट होके गोल्डन रेशो आया, इसलिए इस चीज को अपन ताजमहल वगैरह में भी देख सकते हैं, जो भी ताजमहल में चीजें बनी है उनके रेशियोस लगभग इसी तरह से 1:1.6 के। और मोनालिसा वाली पेंटिंग भी कुछ 1:1.6 को फॉलो करती है। उजुमाकी, हाँ उजुमाकी तो स्पाइरल, पूरा स्पाइरल पे ही है। यार आईपैड के लिए बेस्ट स्केचिंग ऐप बता दो प्लीज। ये वाला ऐप, लीफ विलेज सिंबल, हाँ बहुत बहुत सारी चीजें मिल जाएगी तुम्हें। तो ये जो चीजें तुम्हें याद आ रही है ना, ये ऑब्जर्वेशन है। अब तुम हर चीज को देखोगे ना तो ये चीज ऑब्जर्व करते रहोगे, अरे इसमें ये चीज है, तो अपने आप सीख लोगे। इट इज अ पेमेंट ऐप, प्रो क्रिएट इज द बेस्ट ऐप। पेमेंट ऐप नहीं है यार ये, फेस, अच्छा हाँ फेस रेशो, चलो फेस रेशो पे आ रहा हूँ। कोई डाउट किसी को अभी तक? मैं बहुत लंबा खींच रहा है, 2 घंटे तो हो गए। नहीं सर, नो सर, क्या मतलब लंबा खींच रहा है? नो सर की कोई डाउट? नो सर, पैटर्न्स अरेंज्ड इन फिबोनाची सीरीज ना, यस 1:1.6 बताओ आप। नहीं मुझे तो, मैं तो पूरे दिन भर पढ़ा सकता हूँ, तुम्हारे ऊपर पढ़ाना नहीं भूलेंगे। नो सर, नो डाउट। चलो फेस रेशो पे आ जाते हैं जल्दी, यार कुछ ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। अब अपन ने सीख लिया है लैंडस्केप, अब सबके सब लैंडस्केप में एकदम एक्सपर्ट हो चुके हो, अब फेस रेशियो में आ जाते हैं। अभी और करना है, सुन रहे हैं हम, सुनो सुनो। फेस रेशियो, फेस कैसे बनता है? फेस स्केचिंग भी, ये स्केचिंग तो ही, स्केचिंग ही तो हो रही है। हाउ टू ड्रॉ क्लाउड्स, बहुत सिंपल है। रैंडम, बहुत रैंडम चीजें बनाते हो, फिर पॉइंट को एक्सटेंड कर दो, फिर वापस बहुत रैंडम, फिर एक्सटेंड, एक के पीछे एक क्लाउड बना दो, आगे बना दो, पीछे बना दो, कुछ भी बना दो, क्लाउड 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 जैसा बनाओ। शेडिंग आल्सो, हैचिंग, शेडिंग यार बता देता हूँ मैं जल्दी से बता रहा हूँ, शेडिंग पे जल्दी से ध्यान दे दो, फिर अपन जल्दी से फेस रेशो पे आएंगे। अपने पास एक सर्कल है, ये प्रोक्रिएट से होता है, पता है, बढ़िया सी चीज। अगर लाइट यहां से गिर रही है तो ये वाला पार्ट सबसे लाइटेस्ट होगा, तो एक सर्कल बनाओ। शेडिंग तुम किसी भी तरह से कर सकते हो, जो भी मन चाहे, पर उसी के अलॉन्ग करना सही रहेगा। सबसे पहले एक लाइटेस्ट लेयर डाल दो, फिर जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे ये चीज डार्क होती रहेगी। थोड़ा जल्दी कर रहा हूं मैं, ठीक है, मतलब धीरे भी करता तो मैं ऐसे ही करता। फिर और डार्क होती रहेगी और फर्स्ट ईयर नॉस्टैल्जिक, सच में ये चीज तो बहुत नॉस्टैल्जिक है। सबसे पहले यही चीज आती रहती है, क्योंकि यार लाइट यहाँ से आ रही है तो यहाँ पे सबसे हाईलाइट यहाँ पे रहेगी और यहाँ पे शैडो रहेगी,
और क्योंकि यहाँ से लाइट आ रही है तो इसका इस जगह पे शेडो ड्रॉप हो जाएगी और यहाँ पे डार्क आ जाएगा। अब क्योंकि आसपास का सराउंडिंग है, सराउंडिंग की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी लाइट आती है, जिसकी वजह से ये वाला पोर्शन थोड़ा सा लाइट रहता है और डार्केस्ट पार्ट थोड़ा इस लाइन पर रहता है। ये चीज थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है कि ये पार्ट डार्केस्ट नहीं है, ये पार्ट थोड़ा सा लाइट रहता है डार्क से, क्योंकि सराउंडिंग के एलिमेंट आते हैं, सराउंडिंग वाली लाइट आती है। अगर सिर्फ एक ही सोर्स होता लाइट का तो ये पार्ट भी डार्क हो जाता। तो शेडिंग इस तरह से कर करके नॉर्मल हो सकती है। जैसे अगर क्यूब है, ये रहा अपना क्यूब, फिर से आ गया अपन का क्यूब, ये क्यूब हर जगह आएगा और अपनी अपना लाइट सोर्स है इधर, इसको मैंने वर्टिकल ड्रॉप यहाँ किया, ठीक है। अब देखो इसको एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया और इसको एक्सटेंड किया, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ खींची और इसके पैरेलल लाइन यहाँ खींची। अब जो ये पार्ट दिख रहा है, ओ भाई, यहाँ पे इसका शेडो आ जाएगी, इसमें किसी को डाउट? बहुत सारे डाउट तो आ ही गए होंगे। ये शैडो की टेक्निक है थोड़ी सी, हर एक वर्टिकल लाइन को इसके दोनों पॉइंट से मैच करेंगे ना, और वो पॉइंट जहां पे जाके रुकता है वहां पे ये शैडो आएगी वहां तक। पर थोड़ा अंदाजे से ही करो तो सही रहेगा, इतना ज्यादा डीपली जाने की जरूरत है नहीं। तो अपन कहां थे? फेस रेशो का जल्दी से आ जाते हैं और जल्दी करते हैं। फेस कैसे बनेगा, फेस कैसे बनेगा, कैसे बनता है? शेडिंग, शेडिंग ये देखो, ये एक स्फीयर है अपने पास, इस स्फीयर को अपन काट देंगे ऐसे, और इस स्फीयर के नीचे एक गमला लगा देंगे इस तरह सा, तो इससे फेस बन जाएगा। इसको अगर साइड से देखें तो एक स्फीयर को अपन ने यहां से स्लाइस कर दिया, ये स्लाइस वाला पार्ट ऐसे निकल के बाहर आ जाएगा, फिर इसके नीचे एक ये वाला शेप लगा दिया, ये वाला शेप गमले की तरह जो होता है ना, इस तरह से ये शेप इसको बस नीचे लगाएंगे और फिर अपना यहाँ से फेस बनने लग जाएगा। अब इसको थोड़ा डिटेल में सही से करते हैं, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए था ये बस। तो आ जाओ, पेंसिल ले लो, पेपर ले लो, साथ में बनाते जाओ, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। रेडी हो सब? रेडी, बिल्कुल रेडी। ध्यान लगाना एकदम ज़्यादा, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें आने वाली है। सबसे पहले बनाओ एक सर्कल, लेफ्ट साइड बनाओगे तुम अपने पेपर के तो ज्यादा सही रहेगा। यार ये आईपैड पे क्या बहुत स्लिपरी रहती है स्क्रीन, तो सही से बनता नहीं। सर्कल बना दिया, फिर एक हाफ काटते हुए एक लाइन खींचो, यहां तक भी हो गया। इसके हाफ पे एक लाइन मार्क कर दो, इस चीज में किसी को प्रॉब्लम यहां तक तो नहीं होगी, क्योंकि अब जाके एक प्रॉब्लम आएगी। यहां से लेकर यहां तक ये तो यार मैं से बता नहीं पा रहा हूं, सीधे स्क्रीन पे आएगा। इस पार्ट को 1/3 में डिवाइड करो, अपर हाफ को 1/3 में डिवाइड करो। सर मिड लाइन, मिड में लाइन, हाँ मिड में लाइन, एकदम मिड में लाइन होगी वो। फिर मिड में लाइन के बाद इसको 1/3 में डिवाइड कर दो, थोड़ा अंदाजे से ही चलेगा, और इसको भी 1/3 में डिवाइड कर दो। यहां तक क्लियर? डन? योक मतलब नोक की यस। अब ये जो पार्ट है जितना डिस्टेंस है उतना ही नीचे भी ले लो, हो गया।
डन। अब ध्यान से सुनना, इस लाइन को यहां पे एक्सटेंड किया, ये लाइन है अपनी, वेट, हेडलाइन, ये भी हो गया। फिर इस लाइन को यहां पे एक्सटेंड करो, ये गैस मारो कौन सी लाइन होगी? जॉ लाइन। जॉ लाइन तो सबसे नीचे होनी चाहिए ना, जॉ जहां पे खत्म हो रहा है, बॉटम ऑफ लिप। लिप लिप लिप, पता है ये क्या होगा? ये नोज होगा अपना, लगा ना शॉक एकदम। नॉर्मली पता है जो भी अपन इमोजी देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये इमोजी है, तो इस तरह से फेस होता है। पर असली में जो फेस होता है अपना, उसका जो मिड होता है, यहाँ पे अपनी आंखें आती है। सबको ऐसा लगता है कि फेस के यहाँ पे आंखें आती है, नॉर्मल ये गलत है, ये सही है। फेस के एग्जैक्ट हाफ में आइस आएगी, ठीक है? कैसे अभी पता लग जाएगा कैसे। चलो ये खींचा, अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो ऊपर और नीचे। अब इसको मैं विजुअली बताऊं तो अपना जो अपना कान जो होता है, मतलब वीडियो दिख रही है ना तुम्हें? नहीं दिख रही है। अच्छा वीडियो नहीं दिख रही है, ठीक है। इसको स्लाइस कर दिया तो एक स्फीयर था अपना, फिर अपने यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस आ जाती है दोनों साइड, फेस के दोनों साइड एक फ्लैट सरफेस है, वो थोड़ा सर्कुलर इस तरह से रहती है। तो स्फीयर में से ये कट कर दिया अपन ने, ये पार्ट कट किया है। हाँ, इसको मिडिल में जॉइन कर दिया। अब ये पार्ट अपना चिन है, ठीक है? अब बताओ ये वाला, ये पार्ट क्या होगा? ये क्या होगा? आईज। आईज आईज आईज, फिर से गलत आंसर दे रहे हो तुम लोग, सारे गलत आंसर है। सेंटर सर्कल आईस ही तो था। सर्कल का सेंटर आईस नहीं है, फेस का सेंटर आईस है। फेस का ठीक है, फेस का सेंटर आई होता है, सर्कल का सेंटर होता है आईब्रो। तो आइस कहाँ पे होगी? आइस यहाँ पे होगी कुछ, तो वो बाद में बनाएंगे। यहाँ पे आईब्रो आ गई, अब पहले तो चिन को यहाँ पे ज्वाइन कर दो तुम इस तरह से। हो गया? अच्छा हाँ, कान कहाँ तक आएगा? ईयर कहाँ से कहाँ तक होता है? स्टार्टिंग आई लाइन से होती है, ठीक है? आईब्रो के साइड में, आईब्रोस टू नोज, बिल्कुल सही। यहां से आईब्रोस से नोज तक अपन कान बना लेते हैं। देखो एकदम कर्व को फॉलो करके बढ़िया सा कान बन भी गया, मतलब पता नहीं कैसे ये सारी चीजें हो जाती है। अब अपन जो आईब्रो है, आईब्रो बना लेते हैं, यहाँ पे आएगी आईब्रो। अब आईब्रो के बाद जब नोज स्टार्ट होता है तो वहां पे इस तरह का एक पॉइंट रहता है, इस तरह का, और नोज के लिए अपन यहाँ पे इस तरह से बना लो ये वाला, और इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दो। हो गया यहां तक? इसमें सब लाइट रहना चाहिए था।
ठीक है, यहाँ तक सबका हो गया ना, धीरे धीरे फेस दिखने लग गया होगा तुम्हें। यहाँ पे हेडलाइन थी ये, क्या है कि मैंने जब सर्कल बनाया तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया यहाँ पे डिस्टेंस, लेकिन नॉर्मली थोड़ा सा कम होता है, ये डिस्टेंस कम रहता है। जिसने एकदम परफेक्ट सर्कल बनाया होगा उसको परफेक्ट मिला होगा। यहाँ पे इसके बालों के लिए एक टूथपेस्ट लगा दो, यहाँ पे कैसा भी बना सकते हो हेयर स्टाइल तुम्हारी इच्छा। अब आईज के लिए पूरा जो फेस है उसका हाफ पे आईज रहती है इस जगह पे, यहाँ पे अपनी आईज आएगी, और जो आईज होती है वो फेस फेस को 5 पार्ट में डिवाइड करती है, 1, 2, 3, 4, 5, और इस पार्ट के अंदर अपनी पूरी आंखें होती है। तो ये थोड़ा मैं अंदाजे से बना लेता हूँ, हो गया यहाँ पे। अब लिप्स के लिए फिर से 1/3 में डिवाइड कर दो इस चीज को, इस वाले पार्ट को 1/3 में डिवाइड कर दो। और फिर यहाँ पे लिप्स बना लो। How will it draw the hand if the character is bald? सिंपल है, चलो इसको as requested बनाते हैं। ये जाएगा इस तरह से, ठीक है। जितना परफेक्ट सर्कल बना दो उतना परफेक्ट तुम्हारा फेस बन जाएगा। और यहां पे लिप्स बन जाएगी और फिर ये नीचे का पार्ट। कोई डाउट अभी तक? लैपटॉप के इलस्ट्रेशन के अंदर यार वही ये सारी चीजें फॉलो करके बना लो, या फिर स्केच करके इलस्ट्रेटर फाइल में डाल के पेन टूल से ड्रॉ कर लो। बियर्ड एंड मुस्टैच के लिए हाँ हाँ कर सकते हैं, अभी भी बहुत ज्यादा टाइम तो हो ही गया वैसे, अगली बार और कर सकते हैं अपन। हाँ हाँ वही टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है
फिर से चली गई है इलेक्ट्रिसिटी, पूरा फेस इस तरह से बन जाएगा, दिख रहा है ना? हेलो, आवाज आ रही? हाँ सर। अब इसका तुम्हें प्रोफाइल व्यू बनाना है क्या? साइड से कैसे दिखेगा? यही सेम चीज।
अच्छा फाइनल कुछ पूछ लो, मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड, थोड़ा माइक्रोफोन में पूछना बिना चैट के। सर पर्सपेक्टिव सिलेक्ट करने के लिए कोई क्राइटेरिया होता है या अपने पर्सनल चॉइस के हिसाब से कोई पर्सपेक्टिव चूज कर सकता है? नहीं, पर्सपेक्टिव के जो पॉइंट्स होते हैं ना वो डिफाइंड रहते हैं, वो हमेशा उसी जगह पे रहेंगे। तुम अपने हिसाब से पर्सपेक्टिव पॉइंट चूज नहीं कर सकते, तुम्हें बस पर्सपेक्टिव पॉइंट को फाइंड करना पड़ेगा कि किसका पर्सपेक्टिव पॉइंट कहाँ है। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे ना जितनी चीजें उतना तुम्हें दिखने लगेगा अपने आप की, अच्छा इसका पर्सपेक्टिव पॉइंट इधर है, इसका उधर है। अगर बस सिंपल ये कि तुम्हारे आंखों से एक रेस निकालो पैरेलल, जिस भी चीज का पर्सपेक्टिव पॉइंट फाइंड करना तुम्हें, अगर किसी वॉल, अगर अगर तुम यहां पे खड़े हो इस जगह पे, तुम्हारी आंखों से जो रेज निकलती है वो इस डायरेक्शन में, और इसके पैरेलल जो रेज है वो भी यहां पे रहेगी, फिर यहां पे तुम्हें एक पॉइंट मिल जाएगा, दिख जाएगा अपने आप ही। और किसी भी टाइप का जो भी क्वेश्चंस तुमने पूछे थे और कहीं पे, कोई डाउट नहीं, क्लियर है सब? या फिर कोई भी रेफरेंस या किसी का, अच्छा थोड़े रेफरेंस भी दे सकता हूँ मैं किसी के, कि एक तो सिंपल है, शेडिंग में लाइट से स्टार्ट करो। सबसे पहले एक लाइटेस्ट लेयर डाल दो। लाइटेस्ट लेयर डालने से क्या होगा कि तुम्हें इल्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अगर अपन पहले डार्क से स्टार्ट कर देते हैं ना तो फिर उसके बाद लाइट लेयर डालने पे वो डार्क लाइट हो जाता है अपने आप ही बैकग्राउंड से बहुत, इसलिए लाइट से स्टार्ट करो फिर लेयर ऐड करते रहो। तो सिंपल है, सबसे पहले लाइट से स्टार्ट किया मैंने और यहाँ पे लेयर ऐड करते हैं धीरे धीरे। और कोई मतलब किसी में इंटरेस्ट हो? मेन सर मैं शेडिंग में बेसिकली ये पूछ रही थी कि जैसे मैं जब शेड करती हूँ तो या तो मेरा बिल्कुल ही शेड नहीं रहता है, या मतलब सिर्फ डार्क टोन उसमें एडेड रहते हैं लाइक आईब्रोज एंड ऑल, या फिर मैं करती हूँ तो एकदम रियलिस्टिक की तरह मतलब मेरा जाने रहता है। तो मतलब जैसे आप करते हैं तो आपका लाइक एक अलग ही तरीके का रहता है, लाइक हल्का सा शेड भी एकदम से मतलब पूरा एकदम उसका पूरा वॉल्यूम दे देता है, तो वो चीज बेसिकली मैं जानना चाह रही थी शेडिंग। ओह अच्छा, मतलब शेडिंग में सिंपल है कि जब अपन सबसे पहले कोई भी चीज को तुम बस नॉर्मली शेड कर दो, पूरा फिल कर दो ब्लैक से। सबसे पहले व्हाइट अपन को बिल्कुल नहीं चाहिए, व्हाइट जब रहता है ना आंखों के सामने तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले तो एक सबसे लाइट टोन से शेड फिल कर दो। अगर तुम्हें ये दिख रहा होगा ब्रेकिंग बैड वाला, दिख रहा है क्या? थोड़ा सा ही दिख रहा होगा। तो इसमें मैंने एक बहुत बड़ी गलती ये की थी कि मैंने लाइटेस्ट पार्ट को व्हाइट ही रखा। तो सबसे पहले लाइट को फिल कर दिया मैंने। अब देखो ये जो सर्कल बनाया मैंने, स्फीयर बनाया, इसमें लाइट टोन से डार्क टोन में ग्रेडियंट की तरह गया है। कोई भी अगर पार्ट है फेस का, जैसे अगर नाक भी यहाँ पे आती है तो यहाँ पे एकदम अगर लेफ्ट साइड से शेडो आ रही है, लेफ्ट साइड से लाइट आ रही है, तो ये वाला पार्ट एकदम शेडो में रहेगा। फिर धीरे धीरे यहाँ से ग्रेडियंट देके हाईलाइट पे आ जाओ। यहाँ पे अगर देखे बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा शेड करते हैं। चलो अगर लाइट यहां से आ रही है लेफ्ट साइड से, तो ये वाला पार्ट डार्क में रहेगा, ठीक है? सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, मैं देख नहीं पा रही हूँ आपकी स्क्रीन। अच्छा किसी को नहीं दिख रही है क्या? दिख रहा है सर, एक्चुअली यू हैव टू अनपिन हिज वीडियो सो यू कैन वॉच द नॉर्मली शेयर्ड स्क्रीन। हुआ क्या, कुछ दिखा गया? हाँ, अब दिख रहे हैं, ठीक है।
तो जो अपने आई सॉकेट होते हैं ना वो हमेशा अंदर की साइड रहते हैं, तो वो हमेशा डार्क पार्ट रहेगा। तो इनको ऑलरेडी तुम जब भी स्टार्ट करो ना तो इसको तो डार्क कर ही दो, ये चीज कहीं किसी भी तरीके से लाइट आ जाए लगभग डार्क ही रहते हैं ये। तो ये पार्ट डार्क हो गया, लाइट आ रही इधर से, तो नोज की थोड़ी सी शेडो आएगी। मैं सबसे पहले अभी शेडो का पार्ट बना रहा हूँ, नोज की शेडो इस जगह पे यहाँ पे आ गई। तो जैसे अपन शेडो देने लगेंगे ना तो अपने आप ही ये पार्ट धीरे 3D होता रहेगा। अब ये वाला जो पार्ट है, जो अपने चीक का चीक बोन रहती है एक, तो वहां पे ये चीज डार्क रहेगी। और थोड़ा ये वाला पार्ट डार्क, तो मैंने सबसे पहले एक एक लेयर तो डाल दी डार्क की, और थोड़ा कहीं और डार्क। अब जो नोज है उसके अंदर मुझे एक और डार्क करना है, लेकिन वो डार्क इस नॉर्मल अपन ने सबसे डार्केस्ट पार्ट लिया है उससे लाइट रहेगा। तो मैं सेकंड वाला मेथड यूज करूंगा, जो मैंने ब्लॉक बनाया था उसका जो सेकंड वाला स्ट्रोक था वो मैंने यूज करके यहां से स्टार्ट किया, तो डार्क और ज्यादा डार्क कर दिया मैंने। फिर इस टाइम पे मैं नाक के ऊपर भी ये शेडो ले आया और बाकी और चीजों में भी। तो मैं लेयर बाय लेयर ऐड किए जा रहा हूँ चीजें। क्या अगली लाइन आ गई? अब मुझे सबसे लाइटेस्ट लेयर लगानी है। वैसे तो कान में भी ये दोनों लेयर जाएगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और इसका पूरा पूरे फेस में एक शेडो आएगी। तो एक हॉरिजॉन्टल तो मैंने ऑलरेडी मार रखी थी, फिर थोड़ी सी एक 45 डिग्री वाली डायगोनल। अब सेकंड डायगोनल यूज करना है मुझे, तो सेकंड वाला मैं पूरे में भी यूज कर दूं। अगर यहाँ पे बहुत ब्रेव रहना पड़ेगा अपन को, क्योंकि अपन पूरे फेस के ऊपर एक बहुत लंबी लाइन खींचने वाले हैं, तो लोग क्या डर जाते हैं, लोग डर के बहुत हाफ हाफ लाइन करके छोड़ देते हैं। तो जितना हो सके उतना स्ट्रेट नीचे तक लेके आओ। स्टार्टिंग में अजीब लगेगा बहुत, पर वो इतना बाद में जाने के बाद सही हो जाएगा। तो एक लाइटेस्ट लेयर भी मैंने डाल दी है। फिर अगर कहीं और ज्यादा डार्क करना है पार्ट को तो एक डार्क लेयर और डाल सकते हैं, जो मैं हॉरिजॉन्टल एकदम डाल रहा हूं। तो इस तरह से अपन पूरा ग्रेडियंट दे सकते हैं। डार्क एक लेयर डालो, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर डालो लेकिन एरिया बढ़ा के, फिर एक और लेयर डालो और एरिया बढ़ा के। ये मैं डार्क से लाइट पे गया था, लाइट पर तुम लाइट से डार्क पे भी जा सकते हो। जो ये वाली लाइन से पहले वो बना लेते हैं लाइटेस्ट लाइन वाली, तो तुम्हारे ऊपर है वो डार्क सर्कल। तो ये क्लियर हुआ क्या? थोड़ा 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 बोली। हाँ ये तो क्लियर तो है, मैं प्रैक्टिस करूंगी फिर मैं आपसे वापस कंसल्ट करूंगी। ठीक है। अपने आपको जब बनाते हैं तो फिर मतलब आप कैसे, मतलब मैंने आपकी इंस्टा पोस्ट देखी है, आप अपने आप को मतलब ऐसे ड्रॉ करते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स नहीं? उसके लिए तुम्हें पोज देने पड़ेंगे अजीब अजीब से, और फोटो खींचना पड़ेगा खुद का। फिर फोटो से थोड़ा रेफरेंस ले लो, अगर हाथ बड़ा करना है तो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर जो हमारे मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ, तो हमारे यहाँ पे ऐसे ड्रॉअर्स होते हैं स्टेशन पे जो लाइक बहुत फास्ट ड्रॉ करते हैं पर्सपेक्टिव में। तो हम अगर फास्ट करना चाहते हैं अपने ड्राइंग्स को, जैसे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो फिर वो कैसे कर सकते हैं? अच्छा, मतलब वैसा ना कि कोई भी चीज फास्ट चल रही है तो उसको स्टेबल हाँ पिक्चर हाँ कैसे उसको आए? जल्दी से,
अच्छा इसका एक बहुत बढ़िया मेथड है, सब सुनना, बहुत ही बढ़िया ये। अपन इसमें बेसिक के बेसिक के बेसिक में जाएंगे तो हो जाएगा। कोई भी लाइन कैसे बनती है? डॉट से बनती है, एक एक डॉट से लाइन बनती है ना। तो अगर लाइन मूव कर रही है तो ये जो भी डॉट्स है ना वो खींचा जाएगी। वो एक तरह से जैसे मैं अगर एक हाथ यहाँ पे बनाता हूँ, ये हाथ पूरे डॉट से बनाइए मान लो। थोड़ा स्क्रीन स्लो चल रही है ना मेरी। हाँ ये हाथ बना है, अब इसको मुझे देना है मोशन देना है। इसके लिए इसको लाइट किया थोड़ा। अब देखो एक 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 लाइन को बस इस तरह से बनाओ, जस्ट जिस मोशन में वो जा रहा है हाथ उस मोशन में अगर तुम ड्रॉ करोगे ना, मतलब बस इस तरह से बनाने की जगह इस लाइन को इस तरह से बनाओ तो वो अपने आप मोशन में लगेगी। बहुत फास्ट मूविंग चीज कोई भी है। क्या अभी ऐसा लग रहा होगा? थोड़ी और लाइंस डाल दो तो इस तरह से हो जाएगा। इसमें डाउट है किसी से थोड़ा कि थोड़ा क्लियर हुआ कि इसी इसी टाइप का पूछा था ना ये कैसे बनाते हैं? नो सर, सर मेरा क्वेश्चन जो था, जैसे कोई फास्ट ऑब्जेक्ट जा रही है और हम उसका एक इमेज ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई रनिंग कर रहा है तो हमने एक इमेज लिया उसका, तो अगर देखा जाए तो नेचुरली हम तो ड्रॉ कर लेते हैं, स्टिल रहता है, बट अगर मूविंग हो तब कैसे ड्रॉ कर सकते हैं उस पोज को? मूविंग का मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मतलब मैंने एक स्केच किया था तो इसको देखना, एक लिंक शेयर करता हूँ, ये लिंक का एक बार खोल के देखना, दिख रही है सबको? यस सर। तो इसके अंदर जो लाइंस है ना, मैंने बिल्कुल जो मोशन जिस मोशन में जा रहा है चीजें सारी उसी मोशन में लाइंस बनाई है, जितना हो सके सारी की सारी जो भी लाइन्स है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है। तो एक इसमें ऐसा लग रहा है ना कि फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर लिया है, तो इस तरह से बना सकते हैं। कोई भी चीज है बस उसको उसी डायरेक्शन में लाइन्स बनाएंगे ना तो थोड़ा मोशन में आ जाता है। अगर फास्ट मूविंग ट्रेन भी होती है इसकी जगह, तो ट्रेन कि जो भी वर्टिकल लाइंस है उसको हॉरिजॉन्टल की तरफ ही ले जाना होता है डॉट्स को भी। स्पीड है पॉसिबल तो यार प्रैक्टिस यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा कि प्रैक्टिस मतलब और कैसे स्पीड में करेंगे कुछ, या फिर जो एलिमेंट्स अपन को दिख रहे हैं वही बनाओ सिर्फ। मतलब बहुत सारी चीजें होती है पर हर चीज को बनाना जरूरी नहीं है, जो मेन लग रहा है उसी चीज को बनाएंगे तो उससे भी चीजें क्लियर हो जाती है। तो वही आइडिया देने के लिए और कोई क्वेश्चन?
थैंक यू सर, बाय बाय. हेलो निखिल, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट. थैंक यू सर. सर तनय, सर मतलब हाँ सर, मेरा बोलना ये था बस कि जैसे कि लोग बीच में अलग अलग डाउट लेते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे कि एक कुछ लिस्ट हो कि चार पांच चीज आज इसमें अपन डिस्कशन करेंगे, तो उससे सर थोड़ा अच्छा रहेगा. मतलब बीच में लोग अलग अलग वो टॉपिक दे देते हैं ना, तो फिर एक सर लास्ट में भी अगर जैसे कि एक टॉपिक कवर हो उसके बाद भी डाउट लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि सर एक बार कंटिन्यू बता दिए प्रोसेस, फिर बीच में अपने को जो डाउट हुआ है लास्ट में एक बार जैसे एक टॉपिक का लास्ट में भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. ओके सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर.